Mi colega. Che male. हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो देखो पिछली क्लास में हम बात कर रहे थे जीओसी की, उसमें जीओसी के अंदर एसिड बेस केमिस्ट्री की बात कर रहे थे, ठीक है। तो एसिड बेस केमिस्ट्री में हम टाइप्स की बात कर रहे थे। डाला 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 देखो जीओसी में बात कर रहे थे एसिड बेस केमिस्ट्री की, कैसे हम किसी भी कंपाउंड की एसिडिक स्ट्रेंथ पता करेंगे, कैसे हमें पता चलेगा। तो हमने देखा था कि एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन के ऊपर डिपेंड करती है। हम कहते हैं कि जिसकी स्टेबिलिटी ऑफ एनायन जितना ज़्यादा स्टेबल होगा तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज़्यादा होगी, उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज़्यादा होगी, ठीक है। तो यहाँ स्टेबिलिटी ऑफ एनायन किस किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, वो फैक्टर कौन कौन से थे। सबसे पहला फैक्टर था वहां पर हम साइज की बात करते थे। तो हमारे पास सबसे पहला फैक्टर जो था वो कौन सा था भाई, साइज की बात करते थे। सेकेंड फैक्टर कौन सा था वहां, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मतलब पहला अगर साइज एक्सप्लेन नहीं कर पाता है स्टेबिलिटी ऑफ एनायन को, तो सेकेंड फैक्टर हम देखते हैं वहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी एक्सप्लेन नहीं कर पाती है तो हम थर्ड फैक्टर रेजोनेंस का देखते हैं। और अगर रेजोनेंस भी एक्सप्लेन नहीं कर पाता है तो फोर्थ फैक्टर हम इंडक्टिव इफेक्ट का फैक्टर देखेंगे, ठीक है। इन चार फैक्टर के बेसिस पे जो सीक्वेंस वाइज यूज करना है और उसके बेसिस पे हम एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक एसिडिक स्ट्रेंथ का पता करेंगे। तो हमने कहा तीन टाइप की, यहां क्या बताए थे हमने, एसिड्स जो होते हैं वो तीन टाइप की बताए थे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक जो एसिड होते हैं, जो भी ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं वो तीन टाइप के होते हैं भाई, ठीक है। कौन कौन से बताए थे मैंने, मैंने कहा था आपके पास एक तो ऑक्सीजन के ऑक्जी एसिड्स होंगे, ऑक्जी एसिड्स इसको कहते हैं जिसमें ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ हो, ठीक है। तो वो मैंने दो टाइप की कहा था, मैंने कहा था कि आपके पास एक तो कार्बोक्सिलिक एसिड, और दूसरे कौन से थे, फिनोल एंड एल्कोहल। फिनोल एंड एल्कोहल्स, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा था यहां नाइट्रोजन एसिड्स, ठीक है। तो उसमें मैंने कहा था एमीन हो गया, जैसे आपके पास सिंपली और एमाइड हो गए, ठीक है, जैसे आपके पास NH2 इस। और तीसरे टाइप के जो एसिड थे वो कौन से बताए थे, कार्बन एसिड, कार्बन एसिड। तो मैंने कहा था ये भी दो टाइप के होते हैं, कार्बोनिल, कार्बोनिल एसिड्स, और दूसरे कौन से थे, हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। तो ये हमारे पास एसिड होंगे जो हम वन बाय वन इनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं ऑक्जी एसिड से। ऑक्जी एसिड में सबसे पहले पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो यहां अगर कार्बोक्सिलिक एसिड्स की बात करें कार्बोक्सिलिक एसिड, जैसे आपके पास मैंने कहा कि आपका ये कोई कार्बोक्सिलिक एसिड है भाई, ठीक है, ये जैसे मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है। उसके ऑर्थो पोजिशन पे यहाँ कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है, या मैं ये कहूँ ऑर्थो, छोड़ो, यहाँ सबसे पहले इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप, ये क्या जुड़ा हुआ है, इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप जुड़ा हुआ है। एक और मैंने यहाँ आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड ले लेता हूँ, ये आपका क्या जुड़ा हुआ है, यहाँ एसिड है कार्बोक्सिलिक, और ये नॉर्मल एसिड है। और तीसरे जो टाइप का यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड मिल सकता है वो कौन सा होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग जो जुड़ा होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर जुड़ा हुआ हो, ठीक है। तो मान लो मेरे पास तीन कार्बोक्सिलिक एसिड है, इन तीनों में कहा जाए कि बताओ एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी सबसे ज्यादा होगी। तो हम कहते हैं भाई एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है स्टेबिलिटी ऑफ एनायन के। स्टेबिलिटी ऑफ एनायन के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है क्या, यहां एसिडिक स्ट्रेंथ। तो यहां हम कहेंगे भाई मेरा बनने वाला जो ये आपका एनायन बन रहा है, मैं यहाँ ऑलरेडी एच प्लस निकाल चुका हूं, आपको निकालने की जरूरत नहीं होगी, देखो यहाँ एनायन बना दिया मैंने। तो
तो यहां एनायन, इस एनायन की हमें स्टेबिलिटी देखनी है। तो ये एनायन की स्टेबिलिटी अगर मैं चेक करूंगा, तो यहां से देखो आपको थोड़ा समझना होगा इसमें कि अगर कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड अगर होता है, जैसे ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है और इस कार्बोक्सिलिक एसिड में यहां से आपका H प्लस निकल गया, ठीक है, तो हम कहेंगे भाई ये जो मेरा बनने वाला एनायन होगा ये जितना ज्यादा स्टेबल होगा इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होगी, क्योंकि यहां से आपका H प्लस निकला है, तो हम कहेंगे भाई ये जो आपका स्टेबलाइज हो रहा है ये हो रहा है इस कार्बोनिल के साथ रेजोनेंस करके। ये किससे स्टेबलाइज हो रहा है? इस कार्बोनिल के साथ रेजोनेंस करके स्टेबलाइज हो रहा है, ठीक है। ये आपका O माइनस बन गया और ये डबल बॉन्ड O, ठीक है। तो ये इस कार्बोनिल के साथ अगर मान लो ऐसा हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए कि इस कार्बोनिल के साथ रेजोनेंस नहीं करेगा, तो हम कहेंगे भाई ये एनायन लेस, स्टेबिलिटी डिक्रीज हो रही है। या फिर मैं ये कह दूंगा कि भाई ये ऑक्सीजन जो होगा, ये ऑक्सीजन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है जितना ज्यादा इस CO के साथ रेजोनेंस करेगा इसकी स्टेबिलिटी इस एनायन की उतनी ही ज्यादा बढ़ती जाएगी। यहां होता क्या है कि आपके पास ये बेंजीन भी है, तो एक टाइम पे ये रेजोनेंस कर रहा होगा, दूसरे टाइम पे ये बेंजीन का ये पाई बॉन्ड भी रेजोनेंस कर रहा होगा। और बताओ जब बेंजीन का पाई बॉन्ड जब रेजोनेंस करेगा तो ये ओ नेगेटिव जो होगा ये आपका रेजोनेंस नहीं कर पाएगा। मतलब ये बेंजीन क्या कर रहा है यहां कि ये जब खुद रेजोनेंस करता है बेंजीन का पाई बॉन्ड इस कार्बोनिल के साथ, तो ये ऑक्सीजन नेगेटिव रेजोनेंस नहीं करेगा। और ऑक्सीजन नेगेटिव अगर रेजोनेंस नहीं करेगा तो हम कहेंगे इस एनायन की स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी। इस एनायन की स्टेबिलिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी। कब होगी? जब आपका ये बेंजीन रिंग का पाई बॉन्ड यहां इस CO के साथ रेजोनेंस करेगा, क्योंकि ये ओ नेगेटिव जो है ये ओनली फॉर इस CO के साथ रेजोनेंस करके स्टेबलाइज हो रहा है। और जब ये CO के साथ रेजोनेंस करना इसका कम हो जाएगा तो हम कहेंगे इसकी स्टेबिलिटी कम हो रही है, और स्टेबिलिटी कम होगी तो हम कहेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ भी कम हो रही है। तो यहां अगर मैं क्या कर देता हूं, अब इस बेंजीन के साथ यहां मैं कोई विड्रोइंग ग्रुप लगा दिया, जैसे मैंने फॉर एग्जाम्पल ले लिया NO2 ग्रुप ले लिया, तो NO2 ग्रुप आपको पता है माइनस एम लगाएगा, मतलब यहां से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रो करेगा। तो यहां से आप कहोगे ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखो विड्रो कर ली, तो ये जो पाई बॉन्ड इसके साथ रेजोनेंस करने की तरफ भागेगी, मतलब इधर से जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस CO के साथ या इस CO के साथ जो रेजोनेंस कर रहा था वो अब क्या कर रहा है, ये NO2 खींचने लग जाएगा उस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को। तो इसका मतलब इधर इस CO के साथ रेजोनेंस क्या हो जाएगा, इस पाई बॉन्ड का कम हो जाएगा, क्योंकि आपने क्या कर दिया यहां पर NO2 मतलब विड्रोइंग ग्रुप लगा दिया। और विड्रोइंग ग्रुप लगा दोगे तो ये पाई बॉन्ड किसके साथ रेजोनेंस में बिजी हो जाएगा, इस तरफ बिजी हो जाएगा, तो ये पाई बॉन्ड इधर की तरफ कम आ पाएगा, और इधर की तरफ कम जितना कम आएगा उतना ही ज्यादा ये ऑक्सीजन नेगेटिव क्या कर पाएगा, रेजोनेंस कर पाएगा। मैं कहूंगा ये ऑक्सीजन नेगेटिव फिर जितना ज्यादा रेजोनेंस करेगा इसका मतलब क्या होगी, उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होगी, क्योंकि यहां बनने वाला एनायन क्या हो रहा है, स्टेबलाइज होगा फिर। तो इसका मतलब आप क्या कह सकते हो कि यहां जो भी मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है और उस कार्बोक्सिलिक एसिड के ऊपर अगर कोई विड्रोइंग ग्रुप आप ऐड कर देते हो तो उसकी यहां एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाती है, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। बट अगर यहां क्या हो जाता है, मैंने क्या कहा, ये तो विड्रोइंग ग्रुप का केस था, अगर डोनेटिंग ग्रुप लगा देता हूं, जैसे आपके पास ये कोई कार्बोनिल कंपाउंड था, ये मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो हम कहते हैं भाई ये मेरा जो एनायन है ये जितना ज्यादा यहां इस CO के साथ रेजोनेंस करेगा तो इस CO की यहां बनने ये एनायन है इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा रहेगी। जितना इस CO के साथ रेजोनेंस करेगा जितनी यहां एनायन की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, एनायन की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी तो हम क्या कहेंगे, एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगी। बट यहां मैं क्या कर दिया, यहां मैंने लगा दिया OMe लगा दिया मैंने, तो OME क्या करेगा यहां से बताओ, ये अपना लोन पेयर डोनेट करेगा, मतलब क्या करेगा, प्लस एम लगाएगा, और प्लस एम लगाएगा तो यहां से ये पाई बॉन्ड यहां जाएंगे, ये पाई बॉन्ड यहां जाएंगे, और ये आपके पास यहां रेजोनेंस, मतलब जो एक नॉर्मल पाई बॉन्ड रेजोनेंस कर रहा था वो अब इस बेंजीन रिंग को ये प्लस एम लगा करके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और दे दी इसने। तो इस बेंजीन रिंग में जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी उतना ही यहां ये बेंजीन इस CO के साथ रेजोनेंस करेगा,
और अगर ये सी ये बेंजीन के पाई बॉन्ड इस सीओ के साथ जितना ज्यादा रेजोनेंस करेगा तो ये ओ नेगेटिव जो होगा ये इस सीओ के साथ रेजोनेंस नहीं कर पाएगा, या मैं कहूँ कम कर पाएगा, और जितना कम करेगा तो हम कहेंगे इसकी स्टेबिलिटी ऑफ एनायन क्या होगा, डिक्रीज होगा, और स्टेबिलिटी ऑफ एनायन डिक्रीज होगा तो यहाँ क्या होती जाएगी, आपकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी कम होती जाएगी। तो इसका मतलब यहां क्या हुआ कि अगर आप डोनेटिंग ग्रुप को यूज करते हो तो आपकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है, डिक्रीज होती जाती है, और अगर विड्रॉइंग ग्रुप आप यूज करते हो तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है। तो यहां से आप क्या कह सकते हो कि अगर इन तीनों में कंपेयर करें एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, तो हम कहेंगे भाई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग की सबसे ज्यादा और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग की सबसे कम हो जाएगी। तो ये ध्यान रखना है कि एसिडिक स्ट्रेंथ हम क्या कहेंगे यहां से कि एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रपोर्शनल तो होता है माइनस एम हुआ माइनस आई हुआ, और इनवर्सली प्रपोर्शनल किसके हो जाएगा, प्लस एम प्लस एच हो गया प्लस आई हो गया, इस टाइप के कंपाउंड के साथ। यहां से हमें यही कंक्लूजन निकल के आया है। तो ये कंक्लूजन आपको ध्यान रखना है कि माइनस एम या माइनस आई बोलेंगे तो हम क्या कहेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ उसकी बढ़ रही है, और प्लस वाले ग्रुप होंगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, कम होगी। तो यहां मैं कुछ एग्जाम्पल फटाफट लिखता जाता हूं और आपको उसको सोल्व कर लेना है, ठीक है? तो साथ ही साथ बताना है भाई किसके क्या होगी, ठीक है? तो ये मैं कुछ एग्जांपल्स लिख देता हूँ, फटाफट तुम भी लिख लेना है और उनको सोल्व करने लग जाओ। यहां मैं ऑलरेडी यहां से H प्लस निकाल दिया, मैंने कहा था पिछली क्लास में कि अगर नहीं निकाल रखा है तो वहां से आप पहले H प्लस निकालोगे और वहां क्या बनाओगे, कार्बेनायन बनाओगे या एनायन बनाओगे, और उस एनायन की फिर स्टेबिलिटी चेक करोगे, ठीक है? तो यहां आपके पास ये कंपाउंड मैं फटाफट लिख देता हूँ भाई, और साथ ही साथ तुम्हें भी यहां लिख लेना है और करना है सोल्व। इसको मैं क्वेश्चन नंबर 1 की फॉर्म में लिख देता हूं, ठीक है? यहां सभी को मान लेना है ए बी सी डी का ऑप्शन, ठीक है? ए बी सी डी ऑप्शन मान लेना है। फटाफट बताना है भाई किसका क्या प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट का नाम आ रहा है, ऑर्डर क्या होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना है आपको, ठीक है? ये क्वेश्चन नंबर 2 कर देता हूँ इसको, ठीक है? इसको क्वेश्चन नंबर 3 लिख देता हूँ, ठीक है? इसको 4 क्वेश्चन नंबर 4 लिख देता हूं।
इन सभी क्वेश्चंस में आपको बताना है क्या ऑर्डर होगा, जैसे यहाँ फोर था तो यहाँ फाइव और ये आपका सिक्स, ठीक है। इसमें बताओ फटाफट भाई क्या होगा ऑर्डर। फटाफट बताना है कि जितने भी डोनेटिंग होगा, जितना स्ट्रॉन्ग डोनेटिंग होगा तो उतनी ही माइनस एन क्या होता जाएगा वहां, कम होता ना एसिडिक स्ट्रेंथ। डोनेटिंग होगा तो कम होता जाएगा एसिडिक स्ट्रेंथ, और विड्रॉइंग होगा तो बढ़ता जाएगा, ठीक है। चलो चेक कर लेते हैं भाई फटाफट, ठीक है। देखो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये दे रखा है, तो यहाँ हमें पता है ओएमई है। ओएमई क्या क्या लगाता है याद करो, आपका एक तो प्लस एम लगाएगा और एक क्या लगाता था माइनस आई। जब प्लस एम और माइनस आई लगेगा तो यहां बताओ क्या डोमिनेटिंग क्या करता था, प्लस एम, ठीक है, डोमिनेट प्लस एम करेगा। साइनाइड आपका माइनस एम का लगाता है और माइनस आई, जो भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले होते हैं सभी माइनस आई लगाते हैं, तो माइनस एम भी लगाए गए और क्या कहेंगे हम, तो माइनस एम डोमिनेट करता है, ठीक है। एनओ टू जो है वो क्या क्या लगाता है, माइनस एम माइनस आई, डोमिनेटिंग क्या होगा भाई माइनस एम, ठीक है। यहां क्या क्या लगता है, प्लस एच हाइपर कॉन्जुगेशन लगता है और प्लस इंडक्टिव इफेक्ट लगता है। आप यहां प्लस एच की जगह आप इसके अल्फा हाइड्रोजन लिखोगे तो ज्यादा आपको बेहतर लगेगा यहां से, क्योंकि आपके हो सकता है कि आप यहां इंडक्टिव कभी कभी डोमिनेट कर दोगे, तो हमेशा इसके हाइपर कॉन्जुगेशन प्लस एच ना लिख करके अल्फा हाइड्रोजन जितने भी है वो आप यूज करना है, ठीक है। यहां प्लस साइड, तो यहां डोमिनेट कौन करता है, अल्फा हाइड्रोजन मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन डोमिनेट करता है, ठीक है। तो अब हमें पता है कि जितने भी विड्रोइंग ग्रुप वाले होंगे वो तो क्या करते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करते हैं, तो स्ट्रॉन्ग विड्रोइंग कौन कौन से है भाई, NO2 का सबसे ज्यादा होता है, तो हम कहेंगे सबसे ज्यादा तो C हो जाएगा, सबसे ज्यादा क्या हो जाएगा भाई C हो जाएगा। उसके बाद कौन हो जाएगा, यहां से C के बाद कौन होगा बताओ, C के बाद कौन है आपका, ये भी माइनस एम लगा रहा है, B हो जाएगा उसके बाद, और यहां से ये प्लस एम डोमिनेट कर रहा है यहां हाइपर कॉन्जुगेशन, तो प्लस एम ज्यादा डोनेट करता है, तो जितना ज्यादा डोनेट करेगा उतना ही यहाँ कार्बन आयन डिस्टेबलाइज होगा, जितना ज्यादा कार्बन आयन डिस्टेबलाइज होगा उतनी ही यहाँ स्टेबिलिटी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती जाएगी भाई, कम होती जाएगी, तो हम कहेंगे उसके बाद क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा और सबसे लिस्ट आपका ए हो जाएगा, तो यहाँ सबसे लिस्ट क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, तो यहाँ क्या बन गया भाई ऑर्डर क्या हो गया, सी उसके बाद बी उसके बाद डी और सबसे लिस्ट ए हो जाएगा, ठीक है। इसकी बात करते हैं हम, यहां देखो ये आपका प्लस एम लगा रहा है माइनस आई लगा रहा है, यहां प्लस एम क्या होगा डोमिनेट करेगा, ये आपके थ्री अल्फा हाइड्रोजन है और प्लस आई है, अल्फा हाइड्रोजन लिख के चलना है भाई प्लस एच नहीं, ठीक है। यहां आपको पता है अल्फा हाइड्रोजन मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन डोमिनेट करता है, ठीक है। यहां की बात करेंगे ये माइनस एम लगाएगा माइनस आई लगाएगा, माइनस एम क्या करता है डोमिनेट, जितने भी माइनस वाले होंगे वो सभी के सभी क्या करते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं, और जितने प्लस वाले होते हैं वो एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करते हैं, तो सी हमारा सबसे ज्यादा हो जाएगा। उसके बाद ये सबसे ज्यादा डोनेट करेगा, ये कुछ डोनेट कर रहा हो ये कर ही नहीं रहा है, तो उसके बाद डी हो जाएगा, बी इसमें यहां हम कहेंगे डोनेटिंग सबसे ज्यादा ये कर रहा है तो एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम इसकी होगी, उसके बाद क्या हो जाएगा बी हो जाएगा और सबसे लीस्ट ए हो जाएगा, ठीक है। इनकी बात करते हैं तो यहां हम कहेंगे प्लस एम लगा रहा है माइनस आई लगा रहा है, ठीक है, पर प्लस एम डोमिनेटिंग है। यहां देखो लिखवाया था जब भी यहां मेरे पास ये क्या लगाएगा मेटा पोजिशन, मेटा पोजिशन पे ना ही मैंने समझाया था ना ही मीजोमेरी करता है लगाता इफेक्ट कुछ अपना इफेक्ट डोमिनेट करता है, ना ही आपका यहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन लगता है, मतलब मेटा पोजिशन पे ना तो हाइपर कॉन्जुगेशन लगता है ना ही मीजोमेरिक, ओनली फोर क्या लगता है इंडक्टिव लगता है मेटा पोजिशन पे, तो यहां हम क्या कहेंगे मीजोमेरिक लग नहीं रहा है तो ओनली माइनस आई लग रहा है यहाँ, ठीक है। यहां आपके पास कुछ नहीं है तो हम कहेंगे भाई ये मेरा माइनस आई की वजह से इस क्या करेगा विड्रो करेगा, विड्रो करेगा तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी मतलब बी हो जाएगा। उसके बाद ये डोनेट कर रहा है, ये आपका आपके पास ना डोनेट कर रहा ना एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका सी और सबसे लिस्ट क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। इसकी बात करें तो यहां आपके पास ये माइनस एम लगाएगा माइनस आई, डोमिनेटिंग कौन होगा माइनस एम, ये मेटा पोजिशन आ गया, मेटा पोजिशन पे मेजोमेरिक और क्या नहीं लगता हाइपर कॉन्जुगेशन लगता नहीं है ओनली इंडक्टिव लगता है, तो ये ओनली क्या लगाएगा माइनस आई, तो सबसे ज्यादा क्या हो जाएगा आपका बी उसके बाद सी और सबसे लीस्ट ए की क्या हो जाएगी एसिडिक स्ट्रेंथ हो जाएगी, ठीक है भाई। इसके बाद ये आपके पास देखो यहां आपका क्या लग रहा है थ्री अल्फा हाइड्रोजन और आपका इंडक्टिव इफेक्ट,
यहाँ आपका अल्फा हाइड्रोजन डोमिनेट करेगा, यहाँ आपके पास टू अल्फा हाइड्रोजन और क्या लग रहा है इंडक्टिव, टू अल्फा हाइड्रोजन डोमिनेट करेंगे हाई मतलब हाइपर कंजुगेशन डोमिनेट करेगा, यहां क्या लग रहा है आपके पास क्या लग रहा है वन अल्फा हाइड्रोजन, वन अल्फा हाइड्रोजन और प्लस क्या लग रहा है प्लस आई इंडक्टिव, तो यहां ओनली क्या करेगा अल्फा हाइड्रोजन मतलब हाइपर कंजुगेशन डोमिनेट करेगा, यहां देखो अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं तो यहां क्या लगेगा ओनली इंडक्टिव लगेगा, तो देखो इन तीनों के अंदर तो क्या लग रहा है हाइपर कॉन्जुगेशन, पर इसमें क्या लग रहा है इंडक्टिव, इंडक्टिव मैंने बताया था कम डोनेट करता है, हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा डोनेट करेगा, ज्यादा जितना ज्यादा डोनेट करेगा उतनी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी कम होगी, तो हम कहेंगे सबसे ज्यादा तो किसकी हो जाएगी यहाँ डी की हो जाएगी, इन तीनों की बात करेंगे तो हम कहते हैं जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होते हैं उतना ही ज्यादा डोनेशन होता है, डोनेशन होगा तो उतनी कम एसिडिक स्ट्रेंथ होगी, तो इसके बाद कौन आएगा आपका सी आ जाएगा, उसके बाद दो अल्फा हाइड्रोजन बी आ जाएगा और सबसे लिस्ट क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, ठीक है। इनकी बात करें तो हम कहेंगे यहाँ आपका प्लस एम लग रहा है और माइनस आई, प्लस एम डोमिनेटिंग है, आपका सीएल में क्या लग रहा है ओनली माइनस आई और प्लस एम डोमिनेटिंग, कौन होगा भाई यहाँ माइनस आई, प्लस एम भी लगता है और माइनस आई भी, पर माइनस आई डोमिनेटिंग होगा तो माइनस आई से क्या करेगा विड्रॉ कर रहा है तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाएगा मतलब बी, इन दोनों में डोनेटिंग है ये आपका न्यूट्रल है तो ये आपका क्या हो जाएगा सी और सबसे लीस्ट फिर ए हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके क्या हो जाएंगे एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर हो जाएंगे इन केसेस में, ठीक है। तो आपको देखो यहां से हमें एक तो चीज सीखी कि भाई कौन से विड्रॉइंग ग्रुप जो होंगे वो एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करते हैं और जो डोनेटिंग ग्रुप होते हैं वो एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करते हैं, ठीक है। अब देखो यहां से हमें कुछ एक और चीज सीखने हैं, जैसे आपके पास ये कोई कंपाउंड दे रखा है, ये कोई कंपाउंड, और यहां जब मैंने यहां मेरे पास क्या है कोई भी आपका O- ग्रुप है, ठीक है, एसिड है कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसके ऑर्थो पोजीशन से मैंने कोई G ग्रुप लगा दिया, इसकी ऑर्थो पोजीशन पे मैंने क्या लगा दिया भाई कोई G ग्रुप लगा दिया ऑर्थो पोजीशन के ऊपर, तो अगर ऑर्थो पोजीशन पे मैंने G ग्रुप लगा दिया तो होता क्या है, यहां देखो ये O- क्या कर रहा था यहां से रेजोनेंस कर रहा था, हम कहते थे कि भाई यहां हमारे पास ये जो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज स्टेबल होगा उतनी ही एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि ऑक्सीजन पे जो नेगेटिव चार्ज है जितना ज्यादा स्टेबल होगा इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होगी, बट यहां प्रॉब्लम कौन क्रिएट कर देता था, यहां प्रॉब्लम ये पाई बॉन्ड क्रिएट कर देते बेंजीन के, ये पाई बॉन्ड क्या करने लग जाते थे यहां से रेजोनेंस करने लग जाते थे, और जब ये पाई बॉन्ड यहां से रेजोनेंस करते हैं तो ये ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस नहीं कर पाता है, और ऑक्सीजन का चार्ज अगर रेजोनेंस नहीं किया तो इसकी स्टेबिलिटी जो है नेगेटिव चार्ज की वो कम हो जाएगी, और नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी कम होगी तो हमें पता है एसिडिक स्ट्रेंथ भी कम हो जाएगी, बस यहां क्या हो जाता है यहां जैसे ही आपके ऑर्थो पोजीशन पे कोई जी ग्रुप आता है तो इस सी डब्ल्यू माइनस और इस जी ग्रुप के बीच में स्टेरिक रिपल्सन लगने लग जाते हैं, स्टेरिक रिपल्सन लगने लगे इन दोनों ग्रुप्स के बीच में, तो यहां से होता क्या है जो इसका पी ऑर्बिटल होते हैं जो अभी तक रेजोनेंस कर रहे थे और इस पाई बॉन्ड का जो पी ऑर्बिटल था क्योंकि यहां जो पाई बॉन्ड बना होगा ये भी दो पी ऑर्बिटल से मिक्स हुआ होगा और ये जो पाई बॉन्ड बना है ये भी आपका दो पी ऑर्बिटल से मिक्स हुआ है, तो यहां जो पी ऑर्बिटल बनते हैं भाई ये पी ऑर्बिटल होता क्या है यहां से अपने इलेक्ट्रॉन इस पी ऑर्बिटल में डोनेट करते थे, जैसे मैं यहां ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड हो गया यहां से लिख देता हूं भाई इसको इस टाइप से बना देता हूं, हमें पता है कि यहां जितने पी जो पी ऑर्बिटल थे ये क्या कर रहे थे यहां से रेजोनेंस कर रहे थे, तो ये रेजोनेंस जितना ज्यादा हम कहते थे यहां ये पाई बॉन्ड जितना ज्यादा रेजोनेंस करता है तो होता क्या था कि यहां ये पी ऑर्बिटल जितने ज्यादा रेजोनेंस करेंगे इस पाई बॉन्ड के साथ इस सीओ के साथ तो हम कहते थे होगा क्या भाई ये आपका जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा तो ये ओ नेगेटिव की यहां स्टेबिलिटी कम होगी क्योंकि रेजोनेंस इसका रुक जाएगा तो स्टेबिलिटी कम होगी तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी कम होने लगेगी, बट जैसे इसके ऑर्थो पोजिशन पे जी ग्रुप आता है तो इन दोनों के बीच में क्या लगता है स्टेरिक रिपल्सन,
स्टेरिक रिपल्सन लगने लगता है। तो ये होता क्या है, ये जो सी डब्ल्यू होता है अपना स्टेरिक रिपल्सन कम करने के लिए इस प्लेन से ही बाहर हो जाता है, दूसरे प्लेन में चला जाता है। मतलब इसका प्लेन क्या हो जाता है, आउट ऑफ प्लेन हो जाता है, दूसरे प्लेन में अपना प्लेन को क्या कर लेता है, चेंज कर लेता है ताकि स्टेरिक रिपल्सन कम हो। और मैंने कहा था रेजोनेंस की कंडीशन में तीसरी कंडीशन लिखवाई थी कि क्या होने चाहिए, पी ऑर्बिटल मस्ट बी सेम प्लेन है, मतलब पी ऑर्बिटल जो होंगे वो सेम प्लेन में रहेंगे तो ही रेजोनेंस होगा। अगर इन दोनों ग्रुप के बीच में रेजोनेंस यहां रिपल्सन होगा तो ये सी डब्ल्यू माइनस क्या कर लेता है, अपने आउट ऑफ प्लेन चला जाता है। मतलब ये जो दो पी ऑर्बिटल होगा इनका प्लेन चेंज हो जाता है, दूसरे प्लेन में चले जाएंगे ताकि इस जी ग्रुप और सी डब्ल्यू माइनस के बीच में रिपल्सन नहीं हो। तो जैसे ये दूसरे प्लेन में जाएगा तो बताओ इस बेंजीन के साथ फिर रेजोनेंस नहीं कर पाएगा, और बेंजीन के साथ रेजोनेंस नहीं करेगा ओनली फोर फिर किसके साथ करेगा, इस सीओ के साथ है, इस ऑक्सीजन नेगेटिव के साथ ही ऑक्सीजन कंटिन्यू फिर क्या कर सकता है, रेजोनेंस कर सकता है इस सीओ के साथ है। इसे रोकने वाला बेंजीन अब होगा ही नहीं क्योंकि वो दूसरे प्लेन में जा चुका है। तो यहां से अब ये ऑक्सीजन नेगेटिव अकेला रेजोनेंस करता रहेगा इस सीओ के साथ है। और सीओ के साथ हम कहेंगे जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा हो जाएगी, स्टेबिलिटी ज्यादा होगी तो हम क्या कहेंगे कि एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा हो जाएगी। तो जब भी जी ग्रुप ऑर्थो पोजिशन पे कोई जी ग्रुप होता है तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होती है, और इसी इफेक्ट को ही कहा जाता है ऑर्थो इफेक्ट या एसआईआर इफेक्ट। इसी इफेक्ट को ही क्या कहा जाता है भाई, ऑर्थो इफेक्ट या फिर एसआईआर। एसआईआर की फुल फॉर्म क्या होती है, स्टेरिक इनहिबिटेशन ऑफ रेजोनेंस। मतलब आपका रेजोनेंस रुक गया, स्टेरिक इनहिबिटेशन ऑफ रेजोनेंस, आपका रेजोनेंस ही रुक गया, स्टेरिक इनहिबिटेशन ऑफ रेजोनेंस, इसी को क्या कहते हैं आपका एसआईआर या ऑर्थो इफेक्ट बोला जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी ऑर्थो पोजिशन पे कोई भी ग्रुप आएगा तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को सबसे ज्यादा रख देना है ड्यू टू स्टेरिक रिपल्सन के कारण है, ठीक है। तो वो आउट ऑफ प्लेन चला जाता है जिसकी वजह से अब कौन कौन से होते हैं ग्रुप जो, क्योंकि हमें ये भी जानना पड़ेगा क्योंकि सारे ग्रुप बल्की नहीं होते हैं, और सारे ग्रुप बल्की नहीं होंगे तो इनके बीच में रिपल्सन नहीं लगेगा क्योंकि यहां जितना बल्कीनेस होगा उतना ही ये सी डब्ल्यू माइनस सी डब्ल्यू एच जो होगा ये आउट ऑफ प्लेन जाएगा, आउट ऑफ प्लेन जितना बाहर की तरफ रहेगा तो हम कहेंगे उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा रहेगी इसे बनने वाला एनायन की, क्योंकि ये एनायन फिर आपका बेंजीन जो होगा ये रेजोनेंस नहीं करेगा, ये आउट ऑफ प्लेन जाने से इनके बीच में रेजोनेंस कट जाएगा। तो ये अकेला सी ऑक्सीजन माइनस ही सीओ के साथ रेजोनेंस करेगा, ठीक है। तो कौन कौन से ग्रुप होंगे जो यहां स्टेरिक रिपल्सन लगाते हैं और कौन से नहीं लगाते वो भी देख लेते हैं। तो मैं यहां स्मॉल ग्रुप लिख रहा हूं जो यहां क्या नहीं लगाते हैं, स्टेरिक रिपल्सन नहीं लगाते, या मैं ये कहूं एसआईआर इफेक्ट नहीं लगाते हैं। उसके बाद इसके अलावा जो बचे होंगे वो सभी के सभी क्या लगाते हैं, एसआईआर इफेक्ट शो करते हैं। तो कौन कौन से नहीं लगाते हैं, एक तो हाइड्रोजन है जो नहीं लगाता, एक आपका ड्यूटेरियम होगा क्योंकि जो स्मॉल ग्रुप होंगे वो ड्यूटेरियम, एक ट्राइटेनियम होगा जो स्टेरिक रिपल्सन नहीं लगाएगा, एसआईआर नहीं लगाएगा, एक आपका साइनाइड हो जाएगा, एक आपका फ्लोरीन हो जाएगा, एक आपका ओएच हो जाएगा, और एक आपका एनएच टू हो जाएगा। ये जो ग्रुप होते हैं सात ग्रुप, इनको छोड़ करके जितने भी ग्रुप होते हैं अगर कोई इसके अलावा अगर कोई भी ग्रुप है क्या आ जाता है इसके ऑर्थो पोजिशन, एसिड के ऑर्थो पोजिशन पे अगर आ जाता है तो वहां 100% एसआईआर लगेगा, और एसआईआर लगेगा तो उसकी एसिडिक जो स्ट्रेंथ होगी वो सबसे ज्यादा होगी, उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ जो होगी वो सबसे ज्यादा होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं कि आपको कह दिया जाए कि भाई ये कंपाउंड दे रखा है, ये सी डब्ल्यू माइनस है, यहां आपका जैसे मैंने क्या लगा दिया सीएल लगा दिया, सी एस थ्री लिख दिया, एक आपका यहां सी एस थ्री लिख दिया, एक आपका पैरा पे सी एस थ्री लिख दिया, और एक आपका नॉर्मल कार्बोक्सिलिक एसिड है। कह दिया जाए इन चारों के अंदर बताओ कंपेयर करो एसिड की स्ट्रेंथ, तो मैं कहूंगा देखो यहां इन सात में ये ग्रुप नहीं है, ये स्मॉल ग्रुप है जो एसआईआर नहीं लगाते हैं,
ये कौन से ग्रुप हैं जो SIR नहीं लगाते हैं। इसके अलावा जितने भी ग्रुप बच गए वो सभी के सभी SIR लगाएंगे। तो यहाँ ऑर्थो पोजिशन पे देखो, यहाँ मेरे पास CH3 है, CH3 इनमें नहीं है, इसका मतलब यहाँ क्या लगेगा? SIR। और जहां पर भी SIR लग रहा है वहां इसका मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा कर देनी है। यहाँ आपका क्या लग रहा है? मेटा पोजिशन पे हाइपर कॉन्जुगेशन वगैरह कुछ नहीं लगता है, ओनली इंडक्टिव लगता है, तो हम इंडक्टिव की बात करेंगे। यहाँ क्या लग रहा है आपका? 3 अल्फा हाइड्रोजन मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव, तो यहाँ 3 अल्फा हाइड्रोजन आपका डोमिनेट कर जाएगा। आप कहोगे जो डोनेटिंग ग्रुप होते हैं वो तो क्या करते हैं भाई, डिस्टेबलाइज करते हैं, ये आपका ऑर्थो इफेक्ट हो गया। तो आप कहोगे एक ही तो सबसे ज्यादा हो गई, SIR लग गया, इसका मतलब उसको सबसे आगे रख देना है एसिडिक स्ट्रेंथ में। इनमें बात करेंगे तो ये दोनों डोनेटिंग है, ये आपका क्या है आपके पास डी हो जाएगा। इन दोनों की अगर मैं बात करता हूं तो ये आपका इंडक्टिव लगा रहा है, ये आपका हाइपर कॉन्जुगेशन है। हाइपर कॉन्जुगेशन जो होता है वो ज्यादा डोनेट करता है, हाइपर कॉन्जुगेशन अगर ज्यादा डोनेट करेगा तो हम कहेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगी, तो आपका क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा और फिर सी, तो ये आपका ऑर्डर हो जाएगा। जैसे और एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, तुम्हें इस टाइप से ये कह दिया जाए, जैसे ये बोल दिया जाए भाई, यहां से आपके पास सीएल दे दिया जाए, ये सीएल दे दिया जाए, और ये सीएल दे दिया जाए, कहा जाए कि बताओ एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताओ। तो देखो यहां सीएल आ गया, सीएल आ गया, इसका मतलब ये ऑर्थो पोजीशन पे SIR लग गया, SIR लग गया, इसका मतलब इसकी सबसे ज्यादा क्या हो गई? एसिडिक स्ट्रेंथ। देख लिया हमने कैसे हो गई, क्योंकि वो आउट ऑफ प्लेन हो जाता है जिसकी वजह से बेंजीन रेजोनेंस कर नहीं पाता है, बेंजीन रेजोनेंस नहीं करेगा तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो अकेला O- जो होगा इसका, ये इसके साथ CO के साथ अकेला रेजोनेंस करेगा, तो रेजोनेंस करेगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी, स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होगी। इनकी बात करें तो यहाँ आपका माइनस आई लगेगा, यहाँ आपका प्लस एम और माइनस आई लगेगा, डोमिनेटिंग कौन करेगा? माइनस आई। जो माइनस आई है वो तो क्या कर रहे हैं आपको यहां से स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर रहे होंगे, मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ा रहे होंगे। ये SIR है, इसका मतलब सी की तो सबसे ज्यादा कह दोगे। इन दोनों में बात करेंगे तो हम कहते हैं पहला, जब भी माइनस आई की बात होती है तो मैंने कहा था पहला आप चेक करोगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हो जाती है तो आप डिस्टेंस चेक करोगे। देखो ये आपका यहां नेगेटिव चार्ज है तो इससे यहां ये पैरा पे है तो दूर है, और ये मेटा पे है तो इस नेगेटिव चार्ज के पास है, तो ये पास पड़ेगा ये दूर। मैंने कहा जितना ज्यादा दूर होगा उसका माइनस आई हो या प्लस आई मतलब इंडक्टिव इफेक्ट उतना ही कम होगा, जितना पास होगा उसका उतना ही ज्यादा होगा। तो ये पास पड़ेगा इसका मतलब ये आपका ज्यादा लगाएगा माइनस आई, ये दूर है तो ये प्लस माइनस आई कम लगाएगा, माइनस आई कम लगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम इंक्रीज हुई, माइनस आई ज्यादा लगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा इंक्रीज हुई, मतलब आपका क्या आ जाएगा? बी और फिर ए आ जाएगा। ठीक है, जैसे आपके पास ये कंपाउंड दे दिया जाए, ये कंपाउंड दे दिया जाए, यहां ये CH3 लिख दिया, आपके पास ये CH3 का होल ट्वाइस लिख दिया, आपके पास CH3 का होल थ्राइस लिख दिया मैंने, ठीक है, 3 CH3। आपको कहा जाए कि बताओ एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताओ। तो देखो इसमें भी SIR लगा हुआ है, इसमें भी SIR लगा हुआ है, और SIR इसमें भी लगा हुआ है, ठीक है, SIR इसमें भी लगा हुआ है। आपको कह दिया जाए कि बताओ अब एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, तो हम कहेंगे भाई तीनों में SIR लगा है, पर मैंने कहा था जितना ज्यादा बल्की होगा, जितना ज्यादा बल्की ग्रुप होगा इसका मतलब स्टेरिक रिपल्शन उतना ही ज्यादा होगा, स्टेरिक रिपल्शन ज्यादा होगा तो इसका मतलब क्या होगा भाई, वो CO- उतना ही ज्यादा आउट ऑफ प्लेन जाएगा, आउट ऑफ प्लेन जितना ज्यादा जाएगा इसका मतलब बेंजीन रिंग उतना ही कम इस CO के साथ रेजोनेंस कर पाएगा, मतलब जितना कम रेजोनेंस करेगा CO के साथ तो O नेगेटिव उतना ही ज्यादा स्टेबलाइज हो जाएगा, और O नेगेटिव जितना ज्यादा स्टेबलाइज होगा इसका मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ भी उतनी ही ज्यादा हो जाएगी। तो यहां से आप क्या कह सकते हो, ये मेरा CCH3 का होल थ्राइज होगा, सबसे बल्की है तो सबसे बल्की है तो यहां सबसे ज्यादा SIR है, सबसे ज्यादा SIR है तो सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगी। उन दोनों की बात करें तो ये बल्की है तो आपका बी हो जाएगा और सबसे लिस्ट ए हो जाएगा। ठीक है, जैसे आपके पास एक और एग्जाम्पल ले लिया जाए और कहा जाए कि भाई ये एग्जाम्पल जैसे मेरे पास ले लिया है,
यहां आपका ओब लगा दिया, ये आपका ओ नेगेटिव, ये ओ एच, ये आपके पास यहां सी डबल बॉन्ड ओ माइनस, ये मेरा मेटा पे ओ एच लगा दिया, ये आपका सी डबल बॉन्ड ओ माइनस पैरा पे ओ एच लगा दिया, और ये आपका क्या लगा दिया भाई यहां, ये नॉर्मल रख दिया। कह दिया जाए कि इन चारों में बताओ एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, तो हम कहेंगे भाई यहां तो क्या लग रहा है, देखो माइनस आई मेटा पे है, तो यहां क्या लग रहा है प्लस एम और माइनस आई, डोमिनेटिंग कौन करेगा प्लस एम, यहां बात करते हैं तो यहां हम कहेंगे भाई प्लस एम और माइनस आई, क्योंकि अब ओएच है और ओएच स्मॉल ग्रुप में आ गया, स्मॉल ग्रुप में आ गया तो यहां इसका मतलब एसआईआर नहीं लग रहा है, और एसआईआर नहीं लग रहा है तो यहां होगा क्या, होता क्या है यहां इस ओएच का जो हाइड्रोजन होता है भाई, ये जो ओएच का हाइड्रोजन होता है इसमें और इस नेगेटिव चार्ज के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, और इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से हमारा ओ नेगेटिव जो होता है वो स्टेबलाइज हो जाता है, जो ओ नेगेटिव होता है वो क्या हो जाता है स्टेबलाइज, और हम कहते हैं जितना ज्यादा ये ओ नेगेटिव स्टेबलाइज होगा इसका मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ जो होगी उसकी उतनी ही ज्यादा हो जाएगी, तो यहां और कहीं पर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो रही है बट यहां आपका ओ नेगेटिव के ऊपर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, तो जितनी ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी हम कहेंगे कि ये मेरे एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होगी, तो मैं कहूंगा ए की तो सबसे ज्यादा होगी, किसकी वजह से होगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से हुआ क्या इस एनायन स्टेबल हो गया, और हमें पता है एनायन जितना ज्यादा स्टेबल होगा एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होगी। अब इन तीनों की बात करें तो हम कहेंगे ये आपका माइनस आई लगा रहा है और ये आपका प्लस एम लगा रहा है और ये नॉर्मल है, हमें पता है विड्रॉइंग ग्रुप क्या करते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करते हैं तो बी हो गया, इन दोनों की बात करेंगे तो डी हो गया और सबसे लिस्ट सी हो गया। ठीक है, तो फटाफट बताना है कि इसमें कोई प्रॉब्लम है या किसी को नहीं, आगे बढ़े फिर ठीक है, फटाफट बताओ भाई कोई प्रॉब्लम हो गई। विकी कौन सा पूछ रहा है सर, पिंक पेन में क्या पिंक में क्या लिखा है दिख नहीं रहा भाई, कौन से क्वेश्चन की बात कर रहा है भाई, फटाफट बताओ कोई प्रॉब्लम है फिर आगे बढ़े। ठीक है, नो डाउट, और बताओ भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है, अरे देखो ये फिक्स मत कर लो भाई, हमें तो चाहे प्रॉब्लम नहीं हो तो भी पूछना ही है, ठीक है ये फिक्स मत रखो भाई, जितना जल्दी आप यहाँ पढ़ाऊंगा उतनी जल्दी, यहाँ जितना आपके पास कम क्वेश्चंस आंसर होंगे डाउट तभी तो हम आगे बढ़ पाएंगे। स्लाइड वन खोल दो, टू खोल दो, बताओ स्लाइड वन में तो कुछ लिखा ही नहीं है, ये कौन खुलवा रहा है स्लाइड वन के लिए कह रहे हैं कसी से, बताओ स्लाइड वन में लिखा क्या है ऐसा, इसमें भी पूछना है क्या, टाइम पास करते रहते हो बस। अंजना, एसआईआर की फुल फॉर्म होती है स्टेरिक इनहिबिटेशन ऑफ रेजोनेंस, मतलब रेजोनेंस का रुक जाना बेंजीन के साथ। कोई नहीं अनिसा, अगर प्रॉब्लम आ रही है तो आपको जब हाइपर कंजुगेशन पढ़ाया जाएगा तब मैं साथ के साथ बता दूंगा ऑफलाइन, टेंशन मत लो। ठीक है, जितना समझ में आ रहा है उतना ध्यान रखो, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि भाई नॉर्मली जो आपके पास जितना भी आपने पढ़ा है उसी के अकॉर्डिंग आप करते रहो। ठीक है, जो डीएमएससी वाले हैं वो ठीक है, उनको वापिस बता दिया जाएगा, मैं बता दूंगा क्लास में ही। ठीक है, इन्हीं के बारे में सारी चीजें। ठीक है, तन्नु सर, रिंग डोनेशन टेंडेंसी किसी भी केस में ज्यादा होता है, रिंग डोनेशन टेंडेंसी कौन सा आ गया भाई, ये कॉन्सेप्ट है तनु, ये कौन सा कॉन्सेप्ट आ गया, पर जनरेट अभी तक तो हुआ नहीं था रिंग डोनेशन टेंडेंसी, रिंग थोड़ी डोनेट होती है, इलेक्ट्रॉन डोनेशन टेंडेंसी होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेशन टेंडेंसी जितना ज्यादा होगा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ही कम होगा। ठीक है, फटाफट आगे बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट बात करते हैं भाई, यहां आपके पास ये आपका क्या था, एरोमेटिक था, अब एलिफेटिक की बात कर लेते हैं। देखो एलिफेटिक की अगर हम बात करते हैं, एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, एलिफेटिक
एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड की अगर हम बात करते हैं तो यहां हमारे पास क्या होगा, जैसे फॉर्मियल्डिहाइड दे दिया ना, सॉरी फॉर्मिक एसिड, आपके पास एसिटिक एसिड दे दिया इस टाइप से, और जैसे CH3CH2 प्रोपाइलिक एसिड, यहां क्या हो गया आपका ये एसिड दे दिया, और इन तीनों में कहा जाए कि बताओ एसिडिक स्ट्रेंथ बताओ, तो देखो यहाँ कोई दूसरा प्लस है माइनस हम इनका तो कॉन्सेप्ट आने वाला नहीं है, यहाँ ओनली फोर किसका कॉन्सेप्ट आएगा, इंडक्टिव इफेक्ट का। तो आप देखोगे कि मैंने कहा था ये आपका प्लस आई लगाएगा, ये भी आपका प्लस आई लगाएगा, और ये हाइड्रोजन ना प्लस आई लगाता ना माइनस आई, ठीक है। तो यहां से हमें सबसे पहला काम तो क्या करना था, एच प्लस को निकाल देना था, तो यहाँ CWCW माइनस कर देंगे हर जगह से। तो देखो मैंने कहा था प्लस आई किसका ज्यादा होगा, प्लस आई उसका ज्यादा होता है, सबसे पहला क्या चेक करते हैं नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है। तो यहाँ नंबर ऑफ कार्बन दो है, यहाँ नंबर ऑफ कार्बन एक है, तो इसका मतलब यहाँ प्लस आई ज्यादा तो आपका स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एनायन की स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, एनायन स्टेबल कम होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, तो पीके कम हो जाएगा, तो हम क्या कहेंगे ये ऑर्डर हो जाएगा भाई, क्योंकि इसका प्लस आई सबसे ज्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे आपके पास माइनस, ये तो प्लस आई का कॉन्सेप्ट से मतलब कार्बन चेंज कर देगा या फिर क्या करेगा, माइनस आई से लगा सकता आपको, जैसे आपके पास फॉर एग्जांपल कि CH2 यहां फ्लोरीन लिख दिया, यहां CH2 और यहां सी डबल बॉन्ड OH लिख दिया, ठीक है। यहां आपके पास CH2 यहां क्लोरीन लिख दिया, CH2 सी डबल बॉन्ड OH लिख दिया, ठीक है। जैसे यहां CH2 ब्रोमीन लिख दिया, CH2 सी डबल बॉन्ड OH लिख दिया, कह दिया जाए कि इन तीनों के अंदर बताओ एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताओ क्या होगा। तो हमें पता है फ्लोरीन क्या लगाता है, माइनस आई लगाता है, ठीक है। अब यहाँ प्लस एम नहीं लगा रहा है भाई, देखो प्लस एम होने के लिए क्या चाहिए, बगल वाला लेना भी चाहिए, बगल वाले के पास वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, लेने वाला भी होना चाहिए, तो यहाँ कोई पी ऑर्बिटल है नहीं तो ये प्लस एम नहीं लगा सकता यहाँ इस पोजिशन के ऊपर। यहाँ ये भी क्या लगाएगा माइनस आई, यहां भी क्या लगाएगा माइनस आई। अब माइनस आई के लिए मैंने दो चीजें बताई थी, माइनस आई मैंने कहा सबसे पहला क्या चेक करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा तो माइनस आई ज्यादा तो स्टेबिलिटी ऑफ एनायन ज्यादा, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन ज्यादा तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा, तो ये ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। जैसे और आपके पास क्या दे सकता है यहां से, जैसे इस टाइप से कि यहां मेरे पास CH2 फ्लोरीन दे दिया, CH2 सी डबल बॉन्ड OH दे दिया, जैसे यहां CH3 CH फ्लोरीन सी डबल बॉन्ड OH दे दिया, यहाँ तीसरा CH2 सी डबल बॉन्ड OH दे दिया, कह दिया जाए इन तीनों में बताओ स्टेबिलिटी एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताओ, तो क्या कहोगे। देखो यहां मेरे पास ये भी माइनस आई लगा रहा है और ये भी फ्लोरीन माइनस आई लगा रहा है, ये आपका क्या लग रहा है प्लस आई लग रहा है, ठीक है। अब यहां से हम बात करेंगे कि मेरे पास हम कहेंगे जितना ज्यादा माइनस आई होगा एसिडिक स्ट्रेंथ उसकी ज्यादा होगी, पर यहां दोनों फ्लोरीन है क्योंकि हम पहला ही ऑप्शन क्या चेक करते हैं माइनस आई के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी जितनी ज्यादा होगी एसिडिक स्ट्रेंथ उसका उतना ही ज्यादा होगा, बट यहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो मैंने कहा अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हो जाती है तो दूसरा फैक्टर आप क्या चेक करोगे डिस्टेंस, ये जो जितना पास होगा उस नेगेटिव चार्ज के वो उतनी ही ज्यादा क्या होगा माइनस आई लगाएगा, माइनस आई ज्यादा लगेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। तो देखो यहां मेरे पास ये हाइड्रोजन हम हटाएंगे तो यहां नेगेटिव चार्ज आएगा, यहां नेगेटिव चार्ज आएगा तो ये आपका सेकंड थर्ड कार्बन के ऊपर होगा, यहां देखेंगे तो ये आपका सेकंड कार्बन के ऊपर, मतलब ये फ्लोरीन पास होगा तो माइनस आई ज्यादा लगेगा, माइनस आई ज्यादा लगेगा तो हम कहेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, तो हम कहेंगे यहां से बी की फिर ए की और सबसे लिस्ट क्या हो जाएगा सी की, क्योंकि यहां तो कोई माइनस आई का ग्रुप है ही नहीं है, ठीक है। तो ये ऑर्डर हो जाएगा, तो ये आपका कहानी थी किसकी एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड की। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट फिनोल की एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ इन फिनोल, एसिडिक स्ट्रेंथ इन फिनोल। देखो एसिडिक स्ट्रेंथ इन फिनोल की अगर हम बात करते हैं, फिनोल के अंदर एसिडिक स्ट्रेंथ की अगर बात करते हैं तो यहां फिनोल हमारे पास जैसे ये हो गया, ये हमारा फिनोल है, ठीक है। यहां मैंने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया, यहां आपने मैंने क्या लगा दिया यहां नॉर्मल फिनोल रख दिया, ठीक है, और ये मैंने क्या कर दिया यहां आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दिया। कह दिया जाए इन तीनों के अंदर बताओ एसिडिक स्ट्रेंथ का क्या ऑर्डर होगा, तो यहां से मैं क्या कहूंगा कि मेरा इलेक्ट्रॉन, अभी देखा था हमने कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जितना ज्यादा होगा एसिडिक स्ट्रेंथ उसकी उतनी ही ज्यादा होगी,
तो यहां से हम क्या कहेंगे, एसिड इलेक्ट्रॉन विड्रो है तो फर्स्ट की सबसे ज्यादा डोनेटिंग वाला क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे, तो ये ऑर्डर हो जाएगा आपका। ठीक है, अब यहां से कुछ एग्जांपल्स की जैसे हम बात करें, जैसे ये आपके पास हो गया, ये कंपाउंड जैसे दे दिए, इन चारों में कहा जाए कि बताओ स्टेबिलिटी एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताओ। एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर पूछ सकता है या पीके पूछ सकता है या पीके पूछ सकता है। पीके एसिडिक स्ट्रेंथ और के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं और पीके इनवर्सली होता है। तो कह दिया जाए एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताओ। तो देखो यहां ये क्या लगा रहा है, 3 अल्फा हाइड्रोजन और क्या लगा रहा है भाई, यहां से आपका इंडक्टिव इफेक्ट लगा रहा है। ठीक है, तो हम कहेंगे आपका अल्फा हाइड्रोजन जो है वो मेजर है, मतलब डोमिनेट करेगा। Cl जो है ये आपका क्या लगा रहा है, माइनस आई और प्लस एम, डोमिनेटिंग क्या करेगा, माइनस आई लगाएगा। ठीक है, यहां आपके पास ये भी माइनस आई लगा रहा है। इसकी बात करेंगे तो यहां पर क्या लग रहा है, माइनस एम और माइनस आई, माइनस एम और माइनस आई, डोमिनेटिंग क्या होगा, माइनस एम। इन चारों में हमें देखना है कि सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी होगी। तो देखो ये सबसे ज्यादा विड्रोइंग ग्रुप है, विड्रोइंग ग्रुप है तो डी की सबसे ज्यादा हो जाएगी। इन तीनों में बात करें तो ये डोनेटिंग है, डोनेटिंग है तो इसका मतलब ए की सबसे कम हो गई। ठीक है, अब इन दोनों की बात करें तो हम कहेंगे भाई यहां से ये सीएल जो है आपका ये तो क्या है, दूर है यहां, क्योंकि हमें सबसे पहले क्या करना है, एच प्लस हटाना है, और एच प्लस हटाओगे तो यहां ओ नेगेटिव बनेगा। तो इस नेगेटिव से यहां सीएल पैरा पे है, इस नेगेटिव से यहां मेटा पे है, मेटा वाला पास पड़ेगा, मेटा वाला पास होगा तो यहां माइनस आई ज्यादा लगेगा। तो यहां माइनस आई इसका मतलब ज्यादा है, यहां आपका माइनस आई कम होगा। डिस्टेंस जितना पास होगा उतना ही इंडक्टिव ज्यादा होता है, तो हम कहेंगे माइनस आई ज्यादा तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा, तो सी और फिर बी हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा आपका। ठीक है, जैसे आपके पास और एग्जांपल दे दिए जाए भाई, जैसे ये OH दे दिया, यहां आपका क्या दे दिया भाई, इसमें यहां पर भी OH लिख दिया या OCS3 लिख लेते हैं। ठीक है, यहां OCS3 लिख लेते हैं और एक आपका फिनोल रख लेते हैं। ठीक है, कह दिया जाए बताओ एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताओ। तो देखो यहां हमारे पास क्या लग रहा है, प्लस एम और माइनस आई, प्लस एम बताओ ये क्या होगा, डोमिनेटिंग होगा। यहां और मेटा पे मैंने कहा था ना मीजोमेरिक लगता है ना ही हाइपर कॉन्जुगेशन, और लगता क्या है ओनली यहां क्या लगता है, इंडक्टिव इफेक्ट पर लग क्या आ रहा है, माइनस आई, प्लस एम हट गए तो। ठीक है, माइनस आई की वजह से हमें कहते हैं कि भाई हमारी इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ जो होगी बढ़ जाएगी, तो बी की सबसे ज्यादा होगी, उसके बाद क्या हो जाएगी, सी की, और सबसे लिस्ट क्या हो जाएगी, ए की, क्योंकि ये डोनेटिंग है तो सबसे नीचे आ जाएगा। ठीक है, जैसे आपके पास ये कंपाउंड दे दिए जाए, शिवांगी इतनी देर से, मैं पिछले 15 लेक्चर हो गए मुझे पढ़ाते भी जीओसी की, और अब तुम पूछ रही हो सर डोमिनेटिंग कैसे होगा, हमें कैसे पता चलेगा। भाई इतने इतने लेक्चर मैंने पढ़ा दिए हैं, उसमें सब कुछ बता रखा है, एक एक पॉइंट बता रखा है कि मेरा ये क्यों डोमिनेट कर रहा है, ये क्यों डोमिनेट कर रहा है। और जब एंड आ गया, जब तुम कहती होगी सर ये हमें कैसे पता चलेगा कौन सा डोमिनेट करता है, अरे वो पहले शिवांगी पूरे लेक्चर देखो, ठीक है, उसमें सब कुछ बता रखा है मैंने। ठीक है शिवांगी, वो लेक्चर देखो एक बार सबसे पहले, उसमें सब कुछ बता रखा है, मैंने एक पॉइंट भी मिस नहीं किया जो आपको नहीं बताया हो। ठीक है, अब तुम पढ़ो नहीं तो ये मेरी कोई गारंटी नहीं है भाई। देखो ये कंपाउंड दे दिए, कह दिया जाए कि बताओ इनमें एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताओ। तो देखो यहां पर ये हमारा फ्लोरीन है, फ्लोरीन लगाएगा, प्लस एम लगाता है, माइनस आई लगाता है,
डोमिनेट जितने भी हेलोजन्स होते हैं वो तो सभी क्या करते हैं, माइनस आई डोमिनेट करते हैं। मैंने पहले ही बता दिया है जितने भी हेलोजन्स होते हैं सभी के सभी क्या करते हैं, माइनस आई डोमिनेट करते हैं। मेटा पोजिशन पे होगा तो मीजोमेरिक और हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं लगता है तो ओनली इंडक्टिव लगता है, तो ये इंडक्टिव माइनस आई। यहां देखो यहां पर ये हमारा क्या लग रहा है, माइनस आई। यहां क्या लग रहा है, माइनस आई। अब देखो यहां क्या है, इसके बगल में देखो यहां क्या है, ऑक्सीजन के बगल में क्या जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है भाई। क्या जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन। तो हम एसिडिक स्ट्रेंथ की जब भी बात करते हैं तो हम कहते हैं सबसे पहले तो वहां से जिस हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं उस हाइड्रोजन को निकाल देंगे और वो हाइड्रोजन के ऊपर एनायन बना देंगे। और एनायन हम कहते हैं जितना ज्यादा स्टेबल होगा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होगी। तो यहां पर होता क्या है, हम ये सभी के सभी एनायन निकलेंगे तभी तो सॉल्यूशन में एच प्लस ज्यादा आएगा। सॉल्यूशन में हम क्या कहेंगे भाई, एच प्लस ज्यादा कब आएगा, जब ये एच प्लस जो है जो ऑक्सीजन के ऊपर लगे हुए हैं ये ऑक्सीजन बाहर निकल जाए सॉल्यूशन में आ जाए, तो हम कहते हैं एच प्लस डोनेट करेगा, उसे ही हम स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं जितना ज्यादा एच प्लस डोनेट करेगा। पर यहां ये हाइड्रोजन क्या कर लेता है, जब ऑर्थो पे फ्लोरीन होता है तो इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है और इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये आपका एच प्लस निकल नहीं पाता है। और बताओ तो इसका मतलब ये जो ऑर्थो फ्लोरो जो हाइड्रोक्सी ग्रुप होगा तो इसका मतलब ये आपका H+ कम दे पाएगा सॉल्यूशन में, क्योंकि वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के फ्लोरीन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके जुड़ गया है। तो अब ये सॉल्यूशन में कम H+ दे पाएगा और कम H+ दे पाएगा इसका मतलब क्या हो जाएगी, इसके एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, क्योंकि हम एसिड किसको कहते हैं जो H+ डोनेट करता है। तो ये ध्यान रखना है आपको कि जैसे ही ऑर्थो पोजिशन पे फिनोल के फ्लोरीन आ जाता है तो इनके पे क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से यहां से H+ निकल नहीं पाता है और निकल नहीं पाएगा तो इसका मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब पर ये कितनी कम होगी ये हमें अभी तक नहीं पता, तो ये हमें नहीं पता है अभी तक। देखो यहां होना क्या चाहिए ऑर्डर, हम कहते हैं भाई जो फ्लोरीन होता है ये फ्लोरीन होता है तो ये माइनस आई शो कर रहा है, माइनस आई शो करेगा तो हम कहेंगे जितना ज्यादा माइनस आई लगाएगा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा हो जाएगी। तो हमारे अकॉर्डिंग इफेक्ट के अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए था ऑर्डर, हम कहते हैं ऑर्थो पोजीशन पे फ्लोरीन है तो ये पास पड़ेगा इस एनायन के पास होगा तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ मतलब एनायन की स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। तो इसमें क्योंकि माइनस आई सबसे ज्यादा लग रहा है तो माइनस आई ज्यादा लगेगा तो आप कहोगे सी सबसे ज्यादा हो जाएगा, उसके बाद ये पास पड़ेगा तो आप बी नाम दे दोगे और सबसे दूर ये फ्लोरीन पड़ेगा तो इसका मतलब माइनस आई यहां सबसे कम होगा, माइनस आई कम तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम, तो आप ए कह दोगे और सबसे लिस्ट क्या कह दोगे, डी कह दोगे। तो ये ऑर्डर आना चाहिए क्या, एक्सपेक्टेड ऑर्डर ये आना चाहिए था, पर यहां किसने खेल बिगाड़ दिया, यहां बिगाड़ दिया हाइड्रोजन बॉन्डिंग ने। हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई तो ये H+ निकल ही नहीं पाया और निकलेगा नहीं तो यहां या मैं कहूं स्लो निकल पाएगा और स्लो निकलेगा तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। तो ये कहां तक जाता है मतलब कहां रहेगा, इसकी कितनी कम होगी, तो ये जो भी इफेक्ट लगा रहा है वो जो भी ग्रुप ये इफेक्ट लगा रहे हैं उसी ग्रुप के रेस्पेक्ट में कम होगी। मतलब ये ग्रुप क्या लगा रहा है, माइनस आई लगा रहा है तो जितने भी ग्रुप माइनस आई लगाएंगे उन सभी से कम हो जाएगी। जितने भी ग्रुप माइनस आई लगाएंगे, ये ग्रुप देखो ये ग्रुप क्या लगा रहा है, माइनस आई, तो माइनस आई और जितने भी ग्रुप लगा रखे हैं उन सभी से इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहां देखो सी की क्या होनी चाहिए, सबसे ज्यादा, पर यहां लगा कितने को, ये भी माइनस आई लगा रहा है तो इससे भी कम होगी, ये भी माइनस आई लगा रहा है तो इससे भी कम होगी, यहां कोई नहीं लगा रहा तो इससे ज्यादा रहेगी। तो यहां एक्सपेरिमेंटली क्या आएगा, जो माइनस आई लगा रहे थे मतलब बी की आएगी, फिर ए की और फिर सी की और फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ये आपका करेक्ट ऑर्डर होगा। देखो यहां बी ए सी जो होगा ये तीनों माइनस आई लगा रहे हैं, तो मैंने कहा इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग से कितनी एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होती है, तो ये जो ग्रुप इफेक्ट लगा रहा है उसी इफेक्ट के रेस्पेक्ट में ही कम होगी। मतलब जो भी ये अगर ये माइनस आई लगा रहा है तो जो भी माइनस आई ग्रुप लगा रहे हैं, माइनस आई इफेक्ट लगा रहे हैं, उन्हीं के रेस्पेक्ट में कम हो जाएंगे। तो ये ए और बी लगा रहे थे तो ए और बी से कम हो गई, देखो यहां। तो ये क्या होगा, इसका एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर होगा, ठीक है, ये आपका होगा, ये ऑर्डर सही नहीं है, ठीक है। ऐसे ही यहां मेरे पास अगर फिनोल के क्या आ जाता है, आपके पास यहां OH हो और यहां NO2 हो जाता है ऑर्थो पोजीशन पे, ठीक है, NO2, तो इनके बीच में भी क्या होने लगती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने लगती है। जैसे ये OH है, ये आपका NO2 है आपका, जैसे ये आपका क्या हो गया भाई, ये OH है, यहां पैरा पे NO2 है, सेम यहां आपके पास ये OH है
और ये आपके पास नॉर्मल है। आपको कह दिया जाए इन चारों के अंदर एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करो, तो हमें पता है देखो यहाँ ये ग्रुप क्या लगाएगा, माइनस एम और माइनस आई लगाएगा। माइनस एम इसका क्या होगा, डोमिनेटिंग होगा। यहाँ मेटा पोजिशन पे ओनली क्या लगाता है, माइनस आई। पैरा पोजिशन पे माइनस एम लगेगा, माइनस आई, माइनस एम और माइनस आई लग जाएगा। अब इनकी अगर बात करते हैं तो हम कहते हैं कि भाई यहां हमारे पास देखो ये जो होगा, यहां सिस्टम के पास क्या है, माइनस एम है और माइनस आई है, तो माइनस एम होगा। पर या इसके साथ क्या लग गया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग लग जाती है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो यहां जो भी ये ग्रुप इफेक्ट लगा रहा है उसी इफेक्ट के रेस्पेक्ट में कम होगी थी, क्योंकि यहां से भी H+ नहीं दे पाएगा और H+ नहीं दे पाएगा तो आपके सॉल्यूशन में H+ कम मिलेंगे, मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाए। क्योंकि हम कहते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ उन कंपाउंड की ज्यादा होती है जो सॉल्यूशन में जितने ज्यादा H+ डोनेट करें, पर ये डोनेट तो तब करने जाएगा जब यहां से हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम होगी, क्योंकि इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से यहां क्या होने लग जाता है, इनके बीच में एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो गई, कम हो गई। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो H+ नहीं निकल पाएगा। तो देखो यहां ये माइनस एम तो लगा रहे हैं, तो हम कहते हैं माइनस एम की केस क्या होगा, माइनस एम लग रहा है तो सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगी। तो माइनस एम लग रहा है, एक तो माइनस एम इसमें लग रहा है, एक माइनस एम इसमें लग रहा है, तो जो भी ये माइनस एम डोमिनेट कर रहा है तो इसके साथ जितने भी ग्रुप है इस कंपाउंड के अंदर माइनस एम लगा रहे होंगे उन सभी के रेस्पेक्ट में कम हो जाती है। मतलब ये ग्रुप लगा रहा है माइनस एम तो इसके रेस्पेक्ट में कम हो जाएगी, मतलब थर्ड होगा और फिर ए आएगा। ये माइनस एम लगा रहा है तो माइनस एम वाले कंपाउंड से ही कम होगी ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये आपका माइनस आई लगा रहा है तो आपका बी हो जाएगा और सबसे लिस्ट आपका डी हो जाएगा, ये ऑर्डर बन जाएगा, ये आपका ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी कहानी थी किसकी, यहां से इन कंपाउंड की, फिनोल्स की। तो इससे रिलेटेड अगर बताओ कोई प्रॉब्लम है क्या, इससे रिलेटेड बताओ कोई प्रॉब्लम है क्या, हो गया भाई, एक मिनट रुकना भाई, अच्छी अच्छी इधर आ गया, बताओ इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है क्या, फटाफट बताओ भाई। संजीव, NO2 का माइनस आई ज्यादा होता है, ठीक है, NO2 का माइनस आई ज्यादा होता है, बताओ कोई प्रॉब्लम है क्या भाई, आगे बढ़े, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम्स। प्रिंस बता रखा है भाई OCS3 मेटा पे, मेटा पे कोई भी डोनेटिंग ग्रुप हो सब या तो प्लस एम और हाइपर कंजुगेशन नहीं लगते हैं। हाइपर कंजुगेशन खोल और वहां जामी जो मेरी पढ़ाया था वो खोल, उसमें सब बता रखा है, ठीक है, मैंने बता रखा है भाई मीजो मेरी क्यों नहीं लगता मेटा पोजिशन पे, हाइपर कंजुगेशन क्यों नहीं लगता है। जब वो वीडियो देख जिसमें मैंने मीजो मेरी पढ़ाया था और हाइपर कंजुगेशन पढ़ाया था, उनमें दोनों में एक्सप्लेन कर रखा है, ठीक है प्रिंस, ठीक है भाई। सर लास्ट एग्जांपल में फिनोल का समझ नहीं आया, लास्ट एग्जांपल सुप्रिया बताया, देखो इसमें मैंने कहा कि जो भी ये आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, तो देखो एसिड किसको कहता है सुप्रिया, एसिड हम उसको कहते हैं जो H+ डोनेट करता है, तो H+ डोनेट कब करेगा, जब यहां मेरे पास हम कहेंगे ये सॉल्यूशन में H+ डोनेट किया, तो यहां नेगेटिव कब बनेगा, जब आपका H+ निकल चुका होगा, तो यहां से ये फिनोल है तो यही तो हाइड्रोजन निकलना है, और ये हाइड्रोजन जब निकलेगा ही नहीं, निकलने कौन नहीं देगा, ये NO2, जब ये हाइड्रोजन निकलेगा ही नहीं तो बताओ एसिड क्या अच्छा होगा, वो नहीं होगा, क्योंकि सॉल्यूशन में हम कहते हैं जितने ज्यादा H+ मिलेंगे वो उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और यहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर ली, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रखी है तो ये H+ नहीं निकल पाएगा और सॉल्यूशन में हमें H+ कम मिल पाएंगे, तो ये कितना कम इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ हो जाती है इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। तो मैंने कहा ये जो ग्रुप लगा रहा है NO2, जो भी इफेक्ट लगा रहा होगा और कोई भी कंपाउंड और भी जो ये इफेक्ट लगा रहे होंगे उसी के रेस्पेक्ट में ही कम होगा, मतलब यहां
ये माइनस एम लगा रहा है, तो जितने भी यहां कंपाउंड माइनस एम वाले होंगे उन सभी से इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। तो यहां माइनस एम का ये इफेक्ट ग्रुप दे रखा है, तो इसका मतलब इससे तो कम हो जाएगी, और इससे अलावा यहां माइनस आई लगा हुआ है तो माइनस आई वालों से तो ज्यादा ही होगी क्योंकि यहां माइनस एम लग रहा है। ठीक है सुप्रिया, प्रदीप कह रहा है सर माइनस एम डोमिनेट ना करे तब भी बॉन्डिंग ज्यादा होगा क्या? अरे प्रदीप तुझे शर्म आनी चाहिए मेरे भाई, अपने घर का राज थोड़ी ना है कि मन में आएगा वहां कहेंगे माइनस एम डोमिनेट नहीं करेगा, मन में आएगा वहां कहेंगे डोमिनेट नहीं करेगा। ऑर्थो पोजिशन पे तो होगा तो माइनस एम भी लगेगा, वहां हाइपर कंजिशन भी लगेगा, इंडक्टिव भी लगेगा, मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता जब आपका माइनस एम नहीं लगे। तो अपना घर का तो राज है नहीं कि भाई मन में आएगा तो माइनस एम हटा देंगे, मन में आएगा तो रख लेंगे। यहाँ माइनस एम या प्लस एम की वजह से थोड़ी ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कोई भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आ जाता है उसके साथ इंट्रैक्शन हो जाता है, अगर वो सेम यहाँ उसके साथ मैचिंग हो जाती है तो मतलब उसका जो हाइड्रोजन उसी के आसपास अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आ जाता है तो। ठीक है, ऐसे नहीं होता कि मन मर्जी हम मन में आओ तो कह देंगे माइनस एम नहीं लग रहा अब मान लेंगे माइनस एम लग रहा है, ऐसा नहीं होता है भाई। इस माइनस एम की वजह से थोड़ी ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग लगी, इस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में लगती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके साथ लगती है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ। ठीक है प्रदीप, आदिति कर दिया है लास्ट वाला रिपीट। मीनाक्षी क्या पूछना चाह रही है? सर कार्बोक्सिलिक एसिड है इससे, काजल अभी एक्सप्लेन किया लास्ट वाला। आर्यन ये सारे पीके वैल्यू के बेसिस पे होते हैं, हम मनमर्जी ग्रुप नहीं रख सकते हैं भाई। ठीक है, पीके वैल्यू के बेसिस पे होते हैं, या तो एक ही ऑप्शन है, या तो आप सभी की कंपाउंड जितने भी दुनिया में कंपाउंड है सबकी पीके वैल्यू रट लो, ठीक है, या फिर मैं जैसा तुम्हें पढ़ाऊं वैसा पढ़ लेना। ठीक है, जिसमें कॉमन जहां बहुत सारा डिफरेंस होगा उसी में ही कंपैरिजन हो सकता है, ये सब चीजें एक्सपेरिमेंटल पता करते हैं पीके वैल्यू के बेसिस पे। ठीक है, अरे एसआईआर इफेक्ट में इफेक्ट आपका खत्म हो गया है। ठीक है, एसआईआर में आपको इफेक्ट, एसआईआर लग गया तो आपको इफेक्ट नहीं देखना है क्योंकि बेंजीन से बड़ा थोड़ी ना है मिथाइल ग्रुप। बेंजीन क्या कर रहा था? बेंजीन जो आपके पास एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड था उसमें बेंजीन क्या कर रहा था? एसिडिक स्ट्रेंथ को कम कर रहा था रेजोनेंस करके, और एसआईआर लगने से वो बेंजीन रेजोनेंस करना बंद कर दिया। तो अब बेंजीन के ऊपर चाहे कोई सब्सटेंट जुड़ा रहे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता उस कार्बोक्सिलिक एसिड को। ठीक है ना, बेंजीन के साथ कोई यहां जुड़ा रहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि बेंजीन अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसके साथ रेजोनेंस कर ही नहीं रहा है सीओ के साथ, तो ऑक्सीजन अकेला कर रहा है रेजोनेंस तो करता रहेगा। तो इसीलिए एसआईआर जब भी लगता है तो ग्रुप का जो इफेक्ट होता है वो फेल हो जाता है क्योंकि वो बेंजीन पे लग रहा था और बेंजीन ने उसके साथ कनेक्शन तोड़ लिया है क्योंकि वो आउट ऑफ प्लेन हो गए हैं। ठीक है, अरे गजेंद्र साइनाइड लगा ले, साइनाइड से माइनस एम और माइनस आई से कॉमन कर ले या। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट सिखाया है मैं, ये थोड़ी ना तुझे सारे क्वेश्चन, साइनाइड लगा ले। ठीक है, ऑर्थो पे एक बार लगा ले, एक बार मेटा पे, एक बार पैरा पे लगा कर चेक कर ले फिनोल का, क्योंकि ओएच होगा तो यहाँ फिनोल के केसेस में तो एसआईआर लगेगा नहीं क्योंकि ओएच क्या है स्मॉल ग्रुप है, तो यहाँ कोई एसआईआर नाम की चीज होगी नहीं। मीनाक्षी क्या कहना चाह रही है? सर रेजोनेंस, रेजोनेंस होगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ एम आई एम पी एल, पता नहीं क्या लिख दिया आई एम पी एल, आई एम पी एल का मतलब क्या समझू मैं? देखो यहां मीनाक्षी अगर आप एक ही चैट में सब कुछ लिख के दे भेज दोगी तो अच्छा रहेगा, आप पांच बार लिखोगे तो बीच बीच में चला जाता है, कुछ समझ में नहीं आता मेरे। ठीक है, बिल्कुल यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है, अगर यहाँ क्या होता है OH ऑर्थो पे NH2 होगा तो हाइड्रोजन बिल्कुल नहीं होगी, ऑर्थो पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी, NH2 होगा तो जितनी होती है वो मैं लिख दिया है। ठीक है,
एक OH के साथ और होता है, तीसरा केस OH के साथ कर लेना है, ठीक है। यहां एक तीसरा जो केस होता है वो OH के साथ होता है, ये OH के साथ होता है, तो इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। तो इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से यहां क्या लग रहा है, प्लस M लग रहा है, प्लस M और माइनस I लगेंगे यहां, तो प्लस M और माइनस लगेंगे तो डोमिनेटिंग कौन होता है, यहां प्लस M लगेगा। अगर आप पैराप की बात करते हो मेटा की, यहां मेरा ये ऑर्थो है और एक पे आपका ये ऑर्थो है, ये आपका क्या लगाएगा माइनस आई, एक आपके पास यहां क्या है ये ऑर्थो है, ये आपका ये क्या लगाएगा प्लस एम और माइनस आई, तो डोमिनेटिंग कौन होगा प्लस एम होगा, ठीक है। तो मैंने कहा ये आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग, देखो यहां माइनस आई है तो सबसे ज्यादा सी का, यहां प्लस एम दोनों की जगह है तो इनका कम, तो ये आपका ए ज्यादा, ठीक है। अब ये आपका यहां मैंने कहा इसका ये प्लस एम है, प्लस एम डिक्रीज कर रहा है, ठीक है, पर यहां पर भी प्लस एम है, ये भी डिक्रीज कर रहा है, पर यहां एक और फैक्टर आ गया हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसकी वजह से एच प्लस निकल नहीं पा रहा है, निकलेगा नहीं, तो यहां इसका मतलब यहां ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिक्रीज होगी, यहां कम यहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से एच प्लस नहीं निकल पाए, तो यहां ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगी, यहां आपकी ज्यादा होगी, तो आपका क्या हो जाएगा डी और फिर बी, इन तीन के अलावा कहीं हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। अरे कितनी बार भाभी चिल्ला चिल्ला के बोल चुका हूं फिनोल में SIR नहीं लगता है, खुद शर्म कर ले कि OH ग्रुप है, और OH को मैंने स्मॉल ग्रुप में लिखा था, OH को मैंने कहा था कि स्मॉल ग्रुप होता है, स्मॉल ग्रुप है तो ये आपका SIR नहीं लगाएगा, क्योंकि उनके बीच में रिपल्सेंस नहीं लगेगा, ठीक है। तो फिनोल में OH आ गया है, OH आ गया तो यहां SIR नहीं लगता है। सिमरन जितना होती थी हाइड्रोजन बॉन्डिंग CW- माइनस में वो मैंने बता दी है, ठीक है, जितना होती थी वहां, कुछ छोड़ नहीं रहा हूं मैं, ठीक है। ये टाइम पास मत क्या करो ये उल्टी सीधी बातें पूछ करके, अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती रहती तो मैं बता देता, वहां जितने एक में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही थी उसमें बंद बता दिया था। देखो ये केस जहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट था वहां मैंने बता दिया था, बस तुमको चैट कर करके टाइम पास करना होता, जैसे हमें 9 बजने 9:15 करने। कहां देखो यहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एक लिख रखा था, ये देखो एक केस था या हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, ये मैंने बता दिया था, जितना और होता तो मैं बता ही देता, नहीं है इसीलिए मैंने यहां और हाइड्रोजन बॉन्डिंग कोई केस नहीं है इसीलिए मैंने नहीं बताया, ठीक है। तो भाई थोड़ा सा कोऑपरेट क्या करो, ये उल्टे सीधे क्वेश्चंस नहीं पूछोगे तो अच्छा रहेगा। मीनाक्सी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है बिकॉज ऑफ रेजोनेंस, वो अगर ओ नेगेटिव करता है तो बढ़ती है, अगर बेंजीन करेगा तो नहीं बढ़ेगी, ठीक है। मीनाक्सी अगर बेंजीन नहीं करेगा तो नहीं बढ़ेगी रेजोनेंस से, बेंजीन अगर रेजोनेंस करता है कार्बोक्सिलिक एसिड का तो एसिडिक स्ट्रेंथ नहीं बढ़ेगी, अगर ऑक्सीजन माइनस उस कार्बोनिल के साथ रेजोनेंस, उस CO के साथ रेजोनेंस करेगा तो बढ़ेगी, ठीक है। तो जो रेजोनेंस SIR लगने से वो बेंजीन रेजोनेंस करना बंद कर देती है उस CO के साथ, तो वो अकेला O- जो होता है उस CO के साथ रेजोनेंस करता रहता है, और वो O- हमें यहां O- की स्टेबिलिटी देखना है, क्योंकि उस O- की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करती है एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक है, ठीक है मीनाक्षी। देखो यहां नेक्स्ट हम बात करते हैं हाइड्रोकार्बन की, यहां कार्बोनिल कंपाउंड की एसिडिक स्ट्रेंथ, कार्बोनिल कंपाउंड की एसिडिक स्ट्रेंथ की अगर बात करें, तो देखो यहां जैसे आपके पास ये कोई कार्बोनिल कंपाउंड है भाई, ठीक है, और ये कार्बोनिल कंपाउंड होगा तो यहां हम इसको एसिड कब कहेंगे, जब हम कहेंगे भाई यहां से जितना ज्यादा ये H+ देगा तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होगी। तो देखो कार्बोनिल कंपाउंड के बगल से यहां ये जो हाइड्रोजन, कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड होता है तो इसके बगल में जो हाइड्रोजन होता है वो एसिडिक हाइड्रोजन होता है,
तो हम क्या करेंगे यहां से, सबसे पहला काम हमारा क्या होता है, एच प्लस निकाल देते हैं और जो वहां नेगेटिव चार्ज बनता है इस नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी चेक कर लेते हैं। तो हम कहेंगे भाई यह नेगेटिव चार्ज की अगर स्टेबिलिटी चेक करूंगा तो मैं कहूंगा इसका सीओ के साथ ये रेजोनेंस हो रहा है। यहां देखो मीनाक्षी कार इस नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी चेक करते हैं ना कि रेजोनेंस वगैरह चेक करते हैं, ठीक है। तो यहां ओनली फॉर किसकी स्टेबिलिटी चेक होती है, एनायन की स्टेबिलिटी। तो यहां हम इस एनायन जितना ज्यादा स्टेबल होगा हम कहेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होगी। तो यहां मैं कहूंगा ये मेरा नेगेटिव चार्ज सीओ के साथ जितना ज्यादा रेजोनेंस करेगा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ इतनी ही ज्यादा हो जाएगी। मतलब बेसिकली ये एनायन किस चीज पर डिपेंड करता है, ये सीओ की रेजोनेंस के ऊपर। अब ऐसा अगर हो जाए कि ये एनायन के साथ, अब तो ये अकेला रेजोनेंस कर रहा है, इसके साथ ऐसा हो जाए कि सीओ के साथ रेजोनेंस करने वाला कोई दूसरा भी आ जाए, तो यहां एक बार वो दूसरा करेगा एक बार ये करेगा, तो इसका मतलब एसिड की स्ट्रेंथ क्या होगी, कम होगी। जैसे फॉर एग्जांपल आपको ये कंपाउंड दे दिया जाता है, तो ये कंपाउंड, तो हम क्या कहेंगे इस कंपाउंड की अगर एसिडिक स्ट्रेंथ चेक करेंगे तो हम कहेंगे भाई यहां से सबसे पहला हम H प्लस निकाल देंगे, तो यहां से H प्लस निकल जाएगा और हमें क्या बना देना है, यहां कार्बेनायन, तो ये कार्बेनायन। अब देखो यहां हमें ये नहीं चेक करना कि भाई ये रेजोनेंस वगैरह कुछ है, ठीक है, हमें तो इस बनने वाला जो कार्बेनायन है इसकी स्टेबिलिटी चेक करनी है, ठीक है मीनाक्षी। ये एनायन जितना ज्यादा स्टेबल होगा हम कहेंगे उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होगी। बट यहां मेरे पास मैं कहूंगा ये मेरा जो एनायन है ये सीओ के साथ रेजोनेंस करके स्टेबलाइज हो रहा है, यहां इस अकेले सीओ के साथ अगर रेजोनेंस करके स्टेबलाइज हो रहा है इस सीओ के साथ, तो मैं कहूंगा ये एनायन इस सीओ के साथ जितना ज्यादा रेजोनेंस करेगा इस एनायन की स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी, स्टेबिलिटी ज्यादा होगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। बट प्रॉब्लम कौन क्रिएट कर देगा, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन कहेगा कि भाई मुझे भी रेजोनेंस करना है तो मुझे भी ये रेजोनेंस करना होगा, तो हम कहेंगे ये सीओ के साथ ये ऑक्सीजन भी रेजोनेंस करेगा तो ये एनायन नहीं कर पाएगा, और ये एनायन रेजोनेंस नहीं कर पाएगा। कब नहीं कर पाएगा, जब ये आपका सीओ रेजोनेंस कर रहा है, ये OCS3 अगर रेजोनेंस करता है तो, और OCS3 रेजोनेंस कर रहा है मतलब ये आपका क्या कर रहा है, प्लस एम दे रहा है, प्लस एम ही लगा रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है पाई बॉन्ड के थ्रू, तो क्या कहेंगे OCS3 प्लस एम, और प्लस एम लगा रहा है तो हम कहेंगे भाई ये प्लस एम जितना ज्यादा लग रहा होगा तो ये एनायन इस सीओ के साथ उतना ही कम रेजोनेंस कर पाएगा, और जितना कम ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस कर पाएगा तो हम कहेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ भी उतनी ही कम हो जाएगी। तो देखो अगर इन दोनों के बीच में मैं कंपेयर करूं तो मैं कहूंगा कि यहां मेरे पास ये एनायन जो था ये तो अकेला सीओ के साथ रेजोनेंस कर रहा था, क्योंकि इधर कोई रेजोनेंस वाला ग्रुप था ही नहीं, ठीक है, इधर कोई रेजोनेंस करने वाला ग्रुप है ही नहीं कि इसको रोक सके इस रेजोनेंस को। बट यहां मेरे पास क्या आ गया, इधर रेजोनेंस कर रहा है तो इस सीओ के साथ ये भी रेजोनेंस करेगा, और जब ये OCS3 सीओ के साथ रेजोनेंस करेगा तो ये आपका एनायन रेजोनेंस नहीं कर पाएगा, और एनायन रेजोनेंस नहीं करेगा तो स्टेबिलिटी कम होगी, स्टेबिलिटी कम होगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। अब जैसे आपके पास ये एग्जाम्पल दे दिया जाता है, तो अगर इन दोनों में कहा जाए किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी तो हम कहेंगे ऊपर वाले की ज्यादा होगी, इस ऊपर वाले की ज्यादा होगी इसकी कम होगी, ठीक है। अगर आपके पास इस टाइप का कोई कंपाउंड आ जाता है, जैसे ये कंपाउंड दे रखा है, ये एनायन दे दिया, ठीक है, और एक आपका इधर CH3 लगा दिया, एक आपको कह दिया जाए इस यहां मेरे पास ये एनायन है और ये आपका हाइड्रोजन है, इन दोनों के बीच में एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करो। तो देखो यहां हमें एनायन की स्टेबिलिटी बात करते हैं, तो हमारे पास ये CH3 क्या है, तो यहां देखो डिफरेंस जो कॉमन डिफरेंस है वो यहां CH3 है, यहां हाइड्रोजन है, इसी का डिफरेंस है। हम कहेंगे भाई ये एनायन जो है ये सीओ के साथ रेजोनेंस कर रहा है, अकेला रेजोनेंस कर रहा है, ठीक है, यहां पर भी सीओ के साथ रेजोनेंस कर रहा है, यहां पर ये भी अकेला कर रहा है, तो ये तो कॉमन हो रहा है रेजोनेंस दोनों के बीच में इक्वली। बट यहां ये CH3 क्या लगाएगा, प्लस आई लगाएगा, यहां हाइड्रोजन ना तो प्लस आई लगाता है ना माइनस आई लगाता है, प्लस आई लगाएगा तो ये डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो बताओ नेगेटिव चार्ज के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, स्टेबिलिटी कम हो जाएगी नेगेटिव चार्ज की, क्योंकि प्लस आई जो होता है वो नेगेटिव चार्ज को डिस्टेबिलाईज करता है। मैंने कहा था कि नेगेटिव चार्ज जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्लस आई के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है माइनस आई की स्टेबिलिटी के। तो यहां जितना ज्यादा प्लस आई लगेगा तो नेगेटिव चार्ज उतना ही डिस्टेबलाइज होगा, नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा डिस्टेबलाइज होगा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही कम हो जाएगी, तो मैं कहूंगा इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी इसकी कम होगी। अगर आपके पास जैसे ये कंपाउंड कह दिया जाए कि इन दोनों कंपाउंड के अंदर कि यहां से एक मेरा नेगेटिव चार्ज यहां है और एक मेरे पास यहां OCS3 लिख दिया, और एक आपके पास जैसे यहां नेगेटिव चार्ज है और यहां NH2 या NME2 लिख दिया, सॉरी NME2 लिख,
ठीक है, इन दोनों में कह दिया जाए कि बताओ एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताओ। देखो यहां मैं ऑलरेडी एच प्लस निकाल चुका हूं, अगर नहीं निकाला है तो आपको निकालना पड़ेगा एच प्लस। अगर निकाल के देता है तो अच्छी बात है, नहीं निकालता है तो वहां एच प्लस को निकाल देना है और वहां क्या बना देना है, कार्बेनाइन बना देना है। तो यहां आपको क्या चेक करना है, इन दोनों के अंदर एनायन की स्टेबिलिटी देखोगे तो हम कहेंगे भाई ये मेरे पास नेगेटिव चार्ज क्या कर रहा है, रेजोनेंस कर रहा है। यहां पर ये नेगेटिव चार्ज भी रेजोनेंस कर रहा है, ठीक है, यहां ये दोनों रेजोनेंस कर रहे हैं, पर यहां ये नाइट्रोजन कहेगा मुझे भी रेजोनेंस करना है, ये ऑक्सीजन आपका कहेगा ये मुझे भी रेजोनेंस करना है। तो हम कहेंगे भाई यहां लोन पेयर जितना ज्यादा ये रेजोनेंस करेगा उसकी उतनी ज्यादा क्या होगा, यहां पाई बॉन्ड के साथ सीओ के साथ रेजोनेंस करेगा उतना ही एनायन कम स्टेबल होगा। तो हम कहेंगे ये भी प्लस एम लगा रहा है और ये भी प्लस एम लगा रहा है। हमें पता है कि नाइट्रोजन का प्लस एम जो होता है वो नाइट्रोजन का ज्यादा होता है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। इसका मतलब प्लस एम यहां ज्यादा होगा, प्लस एम ज्यादा होगा तो इस सीओ के साथ ज्यादा रेजोनेंस करेगा, और सीओ के साथ जितना ज्यादा रेजोनेंस करेगा तो ये नेगेटिव चार्ज उतना ही कम इस सीओ के साथ रेजोनेंस कर पाएगा, और ये नेगेटिव चार्ज जितना कम इस सीओ के साथ रेजोनेंस करेगा तो इस एनायन की स्टेबिलिटी उतनी ही कम हो जाएगी, और जितनी कम ये एनायन की स्टेबिलिटी होगी तो हम कहेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ भी उतनी ही कम हो जाएगी। तो यहां से हम कहेंगे जितना ज्यादा यहां आपको ये जो साइड ग्रुप होते हैं इसमें आपको डायरेक्ट बस इतना देखना है, यहां रेजोनेंस नाम नहीं देखना, आपको बस इतना देखना है कि यहां जितना ज्यादा प्लस एम होगा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होगी, तो आपको पता उतनी ही कम होगी, सॉरी प्लस एम यहाँ एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा कब होगी, जब आपका प्लस एम कम होगा। तो इन दोनों में यहाँ इसका प्लस एम ज्यादा है, इसका प्लस एम ज्यादा तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, तो आपका होगी इसकी ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। जैसे आपके पास और एग्जांपल दे दिए जाए, जैसे सिंपली कह दिया जाए कि बताओ भाई कि यहां से ये कंपाउंड दे रखा है, एक ये कंपाउंड दे रखा है, ठीक है, और एक आपके पास यहाँ OCS3 दे रखा है, तो एक आपके पास ये HA है और एक आपका HB है। कह दिया जाए कि बताओ यहाँ से किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, HA की ज्यादा होगी या HB की, तो आपको करना क्या है, यहां से सिंपली आपको ये हाइड्रोजन और यहां निकाल देना है, जिस हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं उस हाइड्रोजन को निकाल देना है, तो जिस हाइड्रोजन की बात कर रहा है उस हाइड्रोजन को निकाल देना है, यहां से ये OCS3 ये एनायन बन गया, ठीक है। तो ये दोनों एनायन की आपको स्टेबिलिटी चेक कर लेनी है, जो मेरा एनायन जितना ज्यादा स्टेबल होगा मैं कहूंगा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होगी। तो यहां हम देखेंगे कि यहां आपका ये CH3 जो ग्रुप है ये प्लस आई लगा रहा है और ये आपका प्लस एम लगा रहा है, प्लस एम लगाएगा तो यहां ये रेजोनेंस करेगा, बताओ तो ये भी रेजोनेंस करेगा। हम कहते हैं भाई कार्बोनिल के साथ अगर कोई भी दूसरा रेजोनेंस करेगा तो ये एनायन को रुकना पड़ेगा, अगर ये एनायन रुकेगा तो इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, रेजोनेंस नहीं करेगा तो इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, अगर इसकी स्टेबिलिटी कम होगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी कम हो जाएगी, बट ये एनायन ही सीओ के साथ कंटिन्यू रेजोनेंस करता रहेगा, ये एनायन इस सीओ के साथ क्या करता रहेगा, कंटिन्यू रेजोनेंस करता रहेगा, मतलब अकेला रेजोनेंस करेगा, बट यहां दो बंदे हैं रेजोनेंस करने वाला, तो बारी बारी से नंबर आएगा, तो बारी बारी से नंबर आएगा। इसका मतलब ये है ना, हमें इन दोनों एनायन की स्टेबिलिटी में कंपेयर करना है, और जो एनायन जितना ज्यादा स्टेबल होगा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होगी। तो यहां हम देखेंगे कि ये एनायन जो होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि अकेला रेजोनेंस कर रहा है, और यहां ये दोनों रेजोनेंस कर रहे हैं सीओ के साथ, तो इन दोनों का बारी बारी से नंबर आएगा, बारी बारी से आएगा तो इसकी स्टेबिलिटी कम होगी। तो हम कह सकते हैं कि जो HB होगा वो मोर एसिडिक होगा एज कंपेयर टू HA, ठीक है। तो ये आपका ऑर्डर हो जाएगा। जैसे आपके पास और कंपाउंड दे दिए जाए, जैसे ये OCS3 दे दिया यहां, ठीक है, और ये आपके पास यहां जैसे ये NMe2 दे देता हूं यहां, ठीक है, तो ये आपका जैसे HA है और ये आपका HB है। कह दिया जाए कि इन दोनों के अंदर बताओ एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताओ क्या होगा, तो आपको क्या करना है, यहां से सिंपली जिस हाइड्रोजन की बात कर रहा है उस हाइड्रोजन को वहां से रिमूव कर देना है। तो यहां से आप क्या करोगे, इस हाइड्रोजन को रिमूव कर दोगे, ठीक है, ये हाइड्रोजन तो यहां एनायन बन जाएगा और यहां एनायन।
अब यहां से हम कहेंगे जो ये दोनों एनायन बने हैं, इन दोनों एनायन में जो जितना ज्यादा स्टेबल एनायन होगा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा हो जाएगी। हम कहेंगे जो जितना ज्यादा स्टेबल एनायन होगा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा हो जाएगी। तो यहां से हम देखेंगे कि ये एनायन भी कार्बोनिल के साथ रेजोनेंस करेगा। हम कहेंगे ये एनायन इस कार्बोनिल के साथ जितना ज्यादा रेजोनेंस करेगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। बट प्रॉब्लम कौन क्रिएट करेगा? ये आपका NME2। ये NME2 कहेगा भाई मुझे भी रेजोनेंस करना है। तो ये भी जब इस CO के साथ रेजोनेंस करेगा तो ये एनायन को रुकना पड़ेगा, और ये एनायन रुकेगा तो इसकी स्टेबिलिटी कम होगी। मतलब ये आपका प्लस एम लगा रहा है, प्लस एम जितना ज्यादा लगेगा तो ये एनायन क्या होगा, उतना ही ज्यादा डिस्टेबलाइज होगा। यहां से ये एनायन जो है ये अकेला रेजोनेंस करेगा, इसे रोकने वाला कोई नहीं होगा। तो ये ज्यादा रेजोनेंस करेगा ये एनायन कम रेजोनेंस कर पाएगा, कम रेजोनेंस करेगा तो इसकी स्टेबिलिटी कम होगी, इसकी स्टेबिलिटी कम होगी तो यहाँ एसिडिक स्ट्रेंथ इसकी कम हो जाएगी। तो हम क्या कहेंगे, एच ए की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी एज कंपेयर टू एच बी के। एच ए की जो एसिडिक स्ट्रेंथ होगी वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू एच बी। जैसे आपके पास ये कंपाउंड दे देता है भाई, ठीक है, और एक आपका यहां से एच ए दे दिया, एक आपका यहां से एच बी दे दिया, ठीक है, और एक आपका यहां से एच सी दे दिया। कह दिया जाए इन तीनों में जो आपके पास एच ए एच बी एच सी दे रखा है उनके अंदर आपको एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करो। तो आपको जो भी हाइड्रोजन मेंशन करके दे रखा है उन हाइड्रोजन को वहां से हटा देना है और वहां क्या बना देना है, कार्बेनायन। तो यहां क्या बना दोगे, कार्बेनायन बना दोगे, सॉरी यहां क्या बना दोगे भाई, कार्बेनायन। जो जो हाइड्रोजन दे रखा है उन हाइड्रोजन को रिमूव कर दोगे और वहां क्या बना दोगे, कार्बेनायन। तो ये हाइड्रोजन्स और आपके पास एक ये दे रखा है, ठीक है। इन तीनों एनायन में से हम कहेंगे जो जितना ज्यादा स्टेबल होगा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होगी। तो यहां हमें चेक करें तो देखो ये एनायन जो है ये दोनों तरफ से स्टेबलाइज है, दोनों कार्बोनिल से। अब ये मत कहने लग जा रहा भाई क्रॉस रेजोनेंस सर हो रहा है, अरे तो क्रॉस रेजोनेंस हो रहा है तो दोनों तरफ से भाई स्टेबलाइज, दो कार्बोनिल ग्रुप से स्टेबलाइज हो रहा है। बट यहां कोई भी एनायन दो कार्बोनिल ग्रुप से स्टेबलाइज नहीं हो रहा है, ये भी CO इसको स्टेबलाइज कर रहा है और ये भी CO इसको स्टेबलाइज कर रहा है। तो प्लीज ये बात मत बोल देना कि भाई यहां क्रॉस रेजोनेंसर हो रहा है। तो क्रॉस रेजोनेंस यहां जब एक जगह एक्सटेंडेड होता है, एक जगह क्रॉस होता है, तब क्रॉस एक्सटेंड का बात आती है, उसके अलावा कहीं बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो मैंने कहा यहां आपके पास दो कार्बोनिल के साथ रेजोनेंस हो रहा है, दो का जितने ज्यादा यहां रेजोनेंस होगा तो उतनी ही ज्यादा ये एनायन स्टेबल होगा। तो यहां दो के साथ रेजोनेंस हो रहा है तो ये ज्यादा स्टेबल होगा, यहां ये कार्बोनिल ये एनायन ओनली एक कार्बोनिल के साथ रेजोनेंस कर रहा है। एक के साथ रेजोनेंस करेगा तो ये कम स्टेबल होगा, दो के साथ रेजोनेंस करेगा तो ज्यादा स्टेबल होगा। यहां ये एनायन जो है ये किसी से भी स्टेबलाइज नहीं हो रहा है, ना कोई कार्बोनिल है ही नहीं अगल बगल में कि रेजोनेंस कर सके। तो इसका मतलब यहां एच सी जो होगा ये तो सबसे लेस एसिडिक होगा, ठीक है। इन दोनों में अगर बात करें तो हम कहेंगे एच ए होगा क्योंकि यहां दोनों तरफ से कार्बोनिल के साथ रेजोनेंस कर रहा है, तो सबसे ज्यादा एच ए की एसिडिक स्ट्रेंथ, फिर एच बी की। तो ये ऑर्डर हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। जैसे आपके पास और कंपाउंड दे दिए जाए, जैसे तुम्हें कह दिया जाए कि भाई ये कंपाउंड दे रखा है, एक तो ये कार्बोनिल कंपाउंड दे रखा है और एक ये कार्बोनिल कंपाउंड दे रखा है, यहां ये ऑक्सीजन है, और एक आपके पास यहां से ये कार्बोनिल कंपाउंड दे रखा है। कह दिया जाए इन तीनों के अंदर यहां से क्या निकालें, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताएं। तो देखो मेंशन कर भी सकता हाइड्रोजन, नहीं भी कर सकता, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। अगर नहीं मेंशन करता है तो आप उस हाइड्रोजन को निकालोगे जहां बनने वाला एनायन सबसे ज्यादा स्टेबलाइज होगा। आप कहो सर मैं यहां से निकाल लूं, यहां से निकाल लूं, यहां से निकाल लूं, तो यहां आपका बनने वाला एनायन किसी के साथ रेजोनेंस नहीं करेगा। बट जैसे ही आप इस कार्बोनिल के बगल से हाइड्रोजन निकालोगे तो वहां इस CO के साथ रेजोनेंस कर सकता है। तो हमें सबसे पहला काम क्या करना है, H+ निकाल देना है, और H+ निकालने के बाद कार्बेनायन बनाना है। कहां कार्बेनायन बनाना है, जहां मोस्ट स्टेबल एनायन बनेगा। देखो यहां आपका मोस्ट स्टेबल एनायन है। आप कहोगे सर इधर नहीं बना सकते, यार भाई एक ही बात है, ठीक है, ये मत पूछने लग जाना, ठीक है।
यहां से भी आप क्या करोगे, H प्लस निकाल दोगे, H प्लस निकाल दोगे, तो यहाँ आपका ऑक्सीजन आ जाएगा और ये आपका एनायन बन जाएगा यहाँ, ठीक है। यहां से भी आप क्या करोगे, H प्लस निकालोगे और यहाँ क्या बनाओगे, आप एनायन बना दोगे, ठीक है, ये एनायन। और अब हम कहेंगे भाई इन तीनों जो एनायन बने हैं इनमें से जो सबसे ज्यादा स्टेबल एनायन होगा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ यहां सबसे ज्यादा होगी। तो देखो यहां हमें एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे चेक करेंगे, एनायन की स्टेबिलिटी में कैसे चेक करेंगे, इस सीओ के साथ हम देखेंगे जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। अब देखो यहां अगर मान लो मेरे पास एक ही कंपाउंड के अंदर कि यहां सीओ के साथ दोनों तरफ से रेजोनेंस होता था, यहाँ एनायन था और यहाँ ऑक्सीजन आर ग्रुप था, तो हम कहते थे भाई दोनों तरफ से ये सीओ जितना ज्यादा रेजोनेंस करेगा, ये सीओ जितना ज्यादा या ओ आर जो होगा जितना ज्यादा रेजोनेंस करेगा इस सीओ के साथ, ये एनायन उतना ही कम इस सीओ के साथ रेजोनेंस कर पाएगा, और ये एनायन जितना कम इस सीओ के साथ रेजोनेंस कर पाएगा तो उतना ही ये कम क्या हो पाएगा, स्टेबलाइज, और कम स्टेबल होगा तो यहाँ एसिडिक स्ट्रेंथ भी इसकी कम ही होगी। अब यहां अगर मैं मान लेता हूं कि मैंने इस टाइप का ये कंपाउंड दे दिया कि यहां आपका एनायन बना हुआ है और यहां आपका एक कंपाउंड लिख दिया ये इस टाइप का, मतलब यहां एल्कीन कर दी, तो देखो यहां मान लो मैं इसके पास ये एनायन अपना पूरा लोन पेयर का लोन पेयर है, किसको डोनेट कर रहा है, इस कार्बोनिल को डोनेट कर रहा है, बट ये जो लोन पेयर होगा यहां से बताओ ये इस सीओ के साथ भी रेजोनेंस करेगा और ये लोन पेयर इस एल्कीन के साथ भी रेजोनेंस करेगा, तो जब ये एल्कीन के साथ ये सीओ रेजोनेंस करने में बिजी होगा तब ये नेगेटिव चार्ज अपना रेजोनेंस कर रहा होगा, बट ये लोन पेयर तो इधर एल्कीन है ही नहीं, इधर एल्कीन नहीं है, तो ये अपना सारा का सारा रेजोनेंस किसके साथ करेगा, इस सीओ के साथ, तो इस सीओ के साथ जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा तो ये एनायन उतना ही कम रेजोनेंस कर पाएगा, और रेजोनेंस कम होगा तो स्टेबिलिटी ऑफ एनायन कम होगी, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन कम होगी तो यहाँ एसिडिक स्ट्रेंथ भी कम हो जाएगी। बट यहां देखो ये ऑक्सीजन का लोन पेयर है, ये इस एल्कीन के साथ भी रेजोनेंस करेगा और इसके साथ भी, तो ये लोन पेयर इस कार्बोनिल के साथ, जो ये लोन पेयर है ये लोन पेयर इस कार्बोनिल के साथ कम रेजोनेंस कर पाएगा, और ये लोन पेयर इस कार्बोनिल के साथ जितना कम रेजोनेंस करेगा उतना ही ये नेगेटिव चार्ज उतना ही ज्यादा ये रेजोनेंस कर लेगा, और नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा रेजोनेंस करेगा तो मैं कहूंगा इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही बढ़ जाएगी क्योंकि स्टेबिलिटी ऑफ एनायन बढ़ रहा है। यहां पर भी सेम केस है कि यहां तो आपका ये सारा का सारा लोन पेयर इस सीओ के साथ नेगेटिव चार्ज इस लोन पेयर के साथ रेजोनेंस इस सीओ के साथ रेजोनेंस कर रहा है, कौन नेगेटिव चार्ज अकेला कर रहा है, कोई रोक टोक करने वाला नहीं है, बट यहां आया तो ये लोन पेयर क्या कर रहा है, इधर अपना लोन पेयर डोनेट कर रहा है, और ये लोन पेयर जितना ज्यादा इस सीओ के साथ रेजोनेंस करेगा तो ये एनायन उतना ही कम रेजोनेंस कर पाएगा, और जितना कम ये एनायन रेजोनेंस कर पाएगा तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन उतनी ही कम हो जाएगी, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन कम होगी तो यहां एसिडिक स्ट्रेंथ भी कम होगी। बट इस केसेस में आएंगे तो इस केसेस में देखेंगे कि ये लोन पेयर इस सीओ के साथ भी रेजोनेंस करेगा और इस एल्कीन के साथ भी, जब ये ऑक्सीजन इस सीओ एल्कीन के साथ रेजोनेंस कर रहा होगा तो ये सीओ के साथ नहीं करेगा, और सीओ के साथ नहीं करेगा तो ये एनायन रेजोनेंस कर लेगा, मतलब यहां एनायन ज्यादा रेजोनेंस करेगा यहां एनायन कम करेगा, क्योंकि सारा का सारा लोन पेयर ये इस सीओ के साथ रेजोनेंस करेगा बट यहां सारा का सारा लोन पेयर इस सीओ के साथ रेजोनेंस नहीं कर रहा, वो कुछ लोन पेयर अपना एल्कीन के साथ भी रेजोनेंस कर रहा है, तो हम कहेंगे यहां से ए की एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा हो जाएगी, उसके बाद सी की, और सबसे लिस्ट क्या हो जाएगी भाई, बी की हो जाएगी, सबसे लिस्ट क्या हो जाएगी, बी की हो जाएगी, ठीक है। यहां जैसे आपके पास एक और एग्जांपल दे दिया जाए, जैसे ये कंपाउंड दे दिया जाए और आपको ये कंपाउंड कह दिया जाए, एक कंपाउंड आपके पास यहां से ये कंपाउंड दे दिया जाए, ठीक है, और एक आपके पास ये कंपाउंड दे दिया जाए और कहा जाए कि बताओ यहां एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताओ क्या होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताओ क्या होगा, तो देखो यहां आपको जो भी सबसे ज्यादा यहां जहां सबसे ज्यादा स्टेबल एनायन बन सकता है आप वहां बनाओगे, तो आप देखोगे कि यहां मेरे पास सबसे स्टेबल एनायन बन सकता है क्योंकि या तो यहां बनाओ चाहे यहां बनाओ एक ही बात है, तो ये मेरे पास यहाँ बना सकते हो। आप कहोगे सर यहाँ क्यों नहीं बना सकते, भाई बताया था हाइपर कंजुगेशन में सिखाया था ये ब्रिज हेड कार्बन है,
ये ब्रिज हेड कार्बन होगा। तो यहां आपको बताया था ये ब्रिज हेड कार्बन इस टाइप का है, इस टाइप का। और यहां आप कह रहे हो कि रेजोनेंस बन, यहां आप कह रहे हो कि नेगेटिव चार्ज। तो यहां मैंने कहा था ये अनस्टेबल होते हैं, क्यों? एंगल स्ट्रेन की वजह से। तो यहां आपका ये लोन पेयर नेगेटिव चार्ज इसी के साथ बताओ फिर रेजोनेंस नहीं कर पाते। यहां वो जो मैंने बताया था कि यहां चाहे नेगेटिव हो, लोन पेयर हो, पॉजिटिव चार्ज हो, रेडिकल हो, कोई रेजोनेंस नहीं करता है, वो यहां यूज होगा ये कॉन्सेप्ट। तो आप यहां बनाओगे नेगेटिव चार्ज, इसमें यहां आपकी बात करोगे तो आप इस टाइप से लिख सकते हो इसको, यहां ये कंपाउंड और ये कंपाउंड। तो देखो यहां आपको बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहां बनाओगे तो आपके पास ये एनायन होगा, तो इसे माइनस आई से स्टेबल। बट ये एनायन आपका पता है डीलोकलाइज नहीं, लोकलाइज नेगेटिव चार्ज है ये, रेजोनेंस नहीं करेगा, क्योंकि sp2 बन गया तो यहां एंगल स्ट्रेन फट जाएगा। तो ये आपका एनायन यहां लोकलाइज रहेगा, लोकलाइज नहीं। यहां की बात करेंगे तो यहां नेगेटिव चार्ज बनाओगे, यहां नेगेटिव चलेंगे, तो देखो ये नेगेटिव चार्ज इन दोनों सीओ के साथ रेजोनेंस कर रहा है, तो इसका मतलब यहां सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगी सी पी होगी। इन दोनों में अगर बात करते हैं तो मैं कहूंगा ये नेगेटिव चार्ज सीओ के साथ रेजोनेंस कर रहा है, ये सीओ के साथ रेजोनेंस कर रहा है, तो यहां आपका एक सीओ के साथ रेजोनेंस हो रहा है, यहां आपका दो सीओ के साथ रेजोनेंस हो रहा है, तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा, क्योंकि यहां सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। यहां एक सीओ के साथ रेजोनेंस हो रहा है, तो एक सीओ के साथ यहां ओनली एक सीओ स्टेबलाइज कर रहा है, यहां दो कर रहा है, तो आपके ए हो जाएगा। यहां बी होगा, तो यहां मेरे पास ये एनायन इस सीओ के साथ रेजोनेंस नहीं कर रहा है, तो ओनली माइनस आई लगाएगा। यहां माइनस आई लग रहा है, यहां माइनस एम लग रहा है, ये रेजोनेंस कर रहा है, क्या है? माइनस एम ही तो है। तो यहां मेरे पास ये नेगेटिव चार्ज मैंने बताया था रेजोनेंस नहीं करता है, क्यों नहीं करता है? क्योंकि ये रेजोनेंस करेगा तो यहां का ब्रिज हेड का कार्बन sp2 हो जाएगा, और sp2 होगा तो उसमें एंगल स्ट्रेन ज्यादा चाहिएगा, ज्यादा चाहिएगा तो अनस्टेबल ज्यादा होगा। तो इसीलिए नेगेटिव चार्ज मैंने लिखवाया था लोकलाइज होते हैं, ना कि डीलोकलाइज। तो इसका मतलब यहां आपका बी हो जाएगा, ठीक है? ये आपका क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। तो बताओ फटाफट इतने तक यहां कोई प्रॉब्लम है कि नहीं है भाई? फटाफट बताओ कोई प्रॉब्लम है क्या नहीं है? बताओ कोई प्रॉब्लम हो तो फटाफट, किसी को जिसको भी प्रॉब्लम है तो। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, ओके, ठीक है। अब देखो इसी में एक छोटी सी चीज और बता देता हूँ, ऐड कर देता हूँ भाई यहाँ फटा दे। देखो इधर ध्यान दो, जैसे आपके पास ये रिंग दे रखी है, ठीक है? एक तो आपके पास जैसे ये रिंग दे रखी है, ठीक है भाई? ध्यान से समझ लेना इस चीज को, बाद में वापिस डाउट मत पूछते रहना है। फिर आपका एक ये रिंग दे रखी है, आपका एक ये एनायन है और एक आपका ये एनायन है, अब यहां इन दोनों के अंदर कह दिया जाए कि कौन सा यहां सबसे ज्यादा स्टेबल एनायन होगा, कौन सा यहां सबसे ज्यादा स्टेबल एनायन होगा। तो यहां अगर मैं स्टेबल ऑफ एनायन की बात करूं तो मैं कहूंगा कि भाई ये एनायन है ये भी इन दोनों सीओ के साथ रेजोनेंस करेगा, और ये एनायन है ये भी इन दोनों सीओ के साथ रेजोनेंस करेगा, ठीक है? तो यहां हमें रेजोनेंस तो इक्वल दिख रहा है कि भाई ये भी दोनों सीओ के साथ रेजोनेंस करेगा, ये भी दोनों सीओ के साथ रेजोनेंस करेगा, ठीक है? पर मैंने जब रेजोनेंस एनर्जी पढ़ाया था तो उसमें मैं तीन चीजें लिखवाई थी। मैंने कहा था आप एक इफेक्टिव रेजोनेंस की तरह देख सकते हो, एक क्वालिटी ऑफ रेजोनेंस की तरह। अगर रेजोनेंस इक्वल दिखता है तो आप ये तीनों यूज करोगे, इफेक्टिव रेजोनेंस, क्वालिटी ऑफ रेजोनेंस, और वहां आपके पास एक्सटेंडेड और क्रॉस रेजोनेंस। पर ये कब चेक करने थे? जब आपका रेजोनेंस इक्वल होता है, ठीक है? इसीलिए मैं बार बार बोलता रहता हूं क्रॉस रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट तभी आएगा जब आपका इक्वल रेजोनेंस होता होगा। तो देखो यहां अगर रेजोनेंस इक्वल होगा तो आपके पास यहां तीन टाइप के और रेजोनेंस बताया था कि हमें रेजोनेंस में भी ये चेक करना है कि सबसे अच्छा रेजोनेंस कौन सा होगा। तो यहां मैंने सबसे पहला वह इफेक्टिव रेजोनेंस बताया था। तो मैंने कहा था कि कोई भी अगर सिस्टम रिंग के अंदर रेजोनेंस करता है, रिंग के अंदर इस टाइप से रेजोनेंस करता था, तो यहां और एक आपके पास रिंग के अंदर नहीं रेजोनेंस करता था, तो मैं कहता था कि यहां से जब ये पी ऑर्बिटल रेजोनेंस कर रहे होते हैं
तो यहां से ये पी ऑर्बिटल आपका दूसरे प्लेन में भी जाने की प्रोबेबिलिटी रखते हैं, क्योंकि यहां सिंगल बॉन्ड है और सिंगल बॉन्ड के थ्रू रोटेशन होते रहते हैं। तो अगर ये पी ऑर्बिटल एक्स, मान लो ये एक्स एक्सिस पी एक्स में है, तो ये भी अगर पी एक्स में होंगे तभी आपका रेजोनेंस होगा। अगर ये पी वाई और पी जेड में चले गए तो रेजोनेंस नहीं होगा। बट अगर इसकी बात करें तो इसमें भी ये अगर पी एक्स में है तो इनको भी पी एक्स में रहना पड़ेगा, क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड क्या है, रिजिड है। रिजिड होगा तो ये घूम नहीं सकता, रिंग का पार्ट है ये। सिंगल डबल बॉन्ड जो है, सिंगल बॉन्ड है, ये रिंग का पार्ट है, रिंग का पार्ट होगा तो घूम नहीं सकता, बट यहां रोटेशन हो सकते हैं। तो अगर यहां फ्री रोटेशन है, अगर यहां मेरे पास ये नेगेटिव चार्ज, बताओ इस पी और पी ऑर्बिटल के साथ ही रेजोनेंस करेगा, इधर भी इस पी ऑर्बिटल के साथ रेजोनेंस करेगा, तो हम कहेंगे भाई यहां एसाइक्लिक होगा, तो ये सीओ के जो पी ऑर्बिटल है ये हो सकता है दूसरे प्लेन में भी जाने की प्रोबेबिलिटी रखते हैं, क्योंकि यहां आपका एसाइक्लिक है। और अगर मान लो ये पी एक्स जो ये नेगेटिव चार्ज मान लो पी एक्स ऑर्बिटल में है, तो यहां ये भी पी एक्स में होंगे तभी रेजोनेंस करेगा। अगर ये यहां से क्या हो गए, पी वाई या पी जेड में हो गए, सिंगल बॉन्ड के थ्रू रोटेशन फ्री रहते हैं, तो अगर पी वाई पी जेड में चले जाएं तो इसका रोटेशन यहां से रेजोनेंस रुक जाएगा, मतलब ये यहां इफेक्टिव रेजोनेंस नहीं हो पाएगा, या मैं कहूं परफेक्ट रेजोनेंस नहीं हो पाएगा। बट यहां बात करेंगे तो मैं कहूंगा ये आपके जो पी ऑर्बिटल्स होंगे कार्बोनिल के, ये आपके इस रिंग का पार्ट हो गए, तो ये आपस में रोटेट नहीं हो सकते, क्योंकि यहां रिंग को तोड़ तो सकते नहीं। तो यहां ये एनायन जिस पी ऑर्बिटल में रहेगा उसी पी ऑर्बिटल में इनको भी रहना पड़ेगा, तभी तो रिंग बनेगी, और उसी में रहेगा तो मतलब यहां आपका परफेक्ट रेजोनेंस हो सकता है, परफेक्ट रेजोनेंस हो सकता है। यहां होगा इफेक्टिव या मैं कहूं परफेक्ट रेजोनेंस, तो यहां परफेक्ट या इफेक्टिव रेजोनेंस होगा, यहां नहीं होगा, क्योंकि यहां रोटेशंस फ्री हैं तो दूसरे प्लेन में जाने की प्रोबेबिलिटी रखते हैं, बट यहां आपका दूसरे प्लेन में जाने की प्रोबेबिलिटी नहीं रखते हैं, तो यहां इफेक्टिव रेजोनेंस होगा, ज्यादा रेजोनेंस होगा, ज्यादा रेजोनेंस होगा, तो बनने वाला ये कार्बन आयन ज्यादा स्टेबल होगा, ज्यादा स्टेबल होगा, तो मैं कहूंगा इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा हो जाएगी, तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, रिंग वालों की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी एज कंपेयर टू एसाइक्लिक। ठीक है, जैसे आपके पास ये कंपाउंड ले लो, यहां पर भी सेम बात हो जाएगी। ठीक है, जैसे ये कंपाउंड ले लिया भाई, तो यहां इसकी बात करें, और आपके पास यहां से ये OR ग्रुप OCH3 ग्रुप लगा दिया, और इधर भी OCH3, तो यहां पर भी आप क्या करोगे, इनकी बात करोगे यहां। ठीक है, इनकी कह दी जाए एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताओ, तो हम क्या कहेंगे कि भैया एनायन बनाएंगे, जहां यहां एनायन बनाएंगे, यहां पर भी एनायन, तो देखो यहां पर भी दोनों तरफ से क्या हो रहा है, सीओ के साथ क्या कर रहा है, रेजोनेंस कर रहा है, दोनों तरफ से सीओ के साथ रेजोनेंस करेगा, यहां पर भी दोनों तरफ से सीओ के साथ रेजोनेंस करेगा, पर यहां हमें अगर रेजोनेंस इक्वल हो जाता है तो हम क्या कहते हैं कि रिंग के अंदर रेजोनेंस ज्यादा होगा, क्योंकि परफेक्ट रेजोनेंस होगा, बट एसाइक्लिक होगा तो रेजोनेंस यहां परफेक्ट नहीं होगा, यहां परफेक्ट नहीं होगा तो इसकी ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ हो जाएगी। ठीक है, और ये मैं आपके लिए दे देता हूं होमवर्क, तो ये आपको कल की क्लास में पूछूंगा, जब भी मतलब होगी क्लास तो बताना है आपको इसका एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। ये घर से सोच के आना है भाई फटाफट। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, ये आपके पास नेट के एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, नेट 2016 या 17 में पूछा था ये क्वेश्चंस, इसमें पूछा है, आपको बताना है एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, नेट का क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, तो फटाफट बताओ इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो। ठीक है, फिर आज की क्लास हम यही रोक रहे हैं। सुप्रिया तुम बिल्कुल नहीं पढ़ती हो घर जाके, बस लेक्चर देख लेती हो और कुछ नहीं पढ़ती हो। मैंने बता कौन सी वीडियो में ये कहा है कि नेगेटिव चार्ज ब्रिज हेड के ऊपर नहीं बनता है। मैंने कहा था कि सबसे ज्यादा जो स्टेबल होता है, जो भी इंटरमीडिएट होते हैं उसमें एनायन ही होता है। ठीक है, आप कैटायन बना सकती हो, एनायन नहीं बना सकती, जबकि एनायन तो sp3 लिखवाया था मैंने हाइब्रिडाइजेशन, और कैटायन का आपका sp2 था, तो कैटायन तो बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल था। आप कह रहे उसको तो रख लेंगे सर, वो तो स्टेबल बना दिया, पर एनायन नहीं बनाएंगे हम, ये क्या मतलब हुआ सुप्रिया बताओ। यहां एनायन यहां बताओ कैसे चेक करोगी, फिर कम से कम यहां दूर अगर यहां बनाओगी इसका, देखो यहां ब्रिज हेड से यहां तुम कहोगी यहां सर मैं बना लूंगी एनायन,
यहां अगर आप एनायन बनाओगी तो देखो ये सीओ माइनस आई तो लगा रहे हैं, अगर यहां दूर चले गए तो माइनस आई कम लग पाएगा, और माइनस आई से जो ये स्टेबल हो रहा है वो कम स्टेबल हो पाएगा, क्योंकि आप कह रही हो सुप्रिया कि यहां मैं एनायन बना दूं सर, यहां एनायन, ठीक है, यहां एनायन अगर तू बनाएगी तो देखो इन दोनों एनायन में से कौन ज्यादा स्टेबल है, तो यहां से ये आपका जो क्या लग रहा है, ये दो माइनस आई ग्रुप लगा रहे हैं दोनों, क्योंकि प्लस एम तो नहीं लगा सकते, माइनस आई लगाएंगे तो हम कहते हैं इंडक्टिव पास रहेगा एनायन तो ज्यादा स्टेबल होगा, और दूर रहेगा तो कम स्टेबल होगा, तो यहां ये दूर है दूर होगा तो कम स्टेबल होगा, ये पास है तो ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है, ठीक है सुप्रिया। देखो ये होमवर्क दिया है, सोच के आना है क्यों ज्यादा स्टेबल होगा, फाइव ज्यादा होगा या सिक्स ज्यादा होगा, रिंग का ऑर्डर लिखना है, ठीक है, अठारह में समीम सर, अठारह नंबर स्लाइड में प्लस एम भी तो परफेक्टली हो रहा है साइक्लिक में, तो स्टेबिलिटी कम होना चाहिए भाई, ये यहां नैनायन की स्टेबिलिटी हमें देखनी है, ठीक है समीम, यहां इसके साथ क्या हो रहा है, रिंग के साथ क्या हो रहा है, इससे मतलब मत रखे, ठीक है, यहां हमें किसकी स्टेबिलिटी देखनी, इस एनायन की, ये ऑक्सीजन कितना रेजोनेंस करा ये नहीं करना, यहां से तो हमें इस एनायन की स्टेबिलिटी देखनी है समीम, ठीक है, तो हमें एनायन की बात करनी है, क्योंकि यहां पर भी ये ऑक्सीजन रेजोनेंस ही कर रहे हैं, यहां पर भी तो कर रहे हैं रेजोनेंस, दोनों जगह ही कर रहे हैं, दोनों जगह रेजोनेंस कर रहे हैं, पर यहां में परफेक्ट किसकी बात है, एनायन की स्टेबिलिटी की, ठीक है समीम, प्रिंस गलत है, ठीक है, जो आंसर दिया है वो गलत है, सोचना आज घर जाके, ठीक है प्रिंस, अनु यही बात कह रहा हूं, यहां हमें एनायन की स्टेबिलिटी देखनी है, ठीक है प्रदीप, गलत है ये जो तुम दे रहे हो, ठीक है, गलत है आंसर, तू भी सोचना भाई, ठीक है, राहुल गलत है, ठीक है, तू भी सोचना आज घर जाके, ठीक है, जो अभी तक आंसर दिए हैं भाई, प्रदीप बिल्कुल गलत है जो तू लिखा है, बिल्कुल गलत है, ठीक है, तो आज सोचना, ये होमवर्क है भाई सभी का, जिसको भी मैंने बोला है गलत है वो जो आंसर दिया है उसको सोचना घर जाके क्यों गलत बता रहे हैं, ठीक है, यहां आपको बनने वाला एनायन की स्टेबिलिटी देखनी है, ना कि कोई एंगल स्ट्रेन की बात करनी, कुछ भी ऐसा, ठीक है, मैं कितनी देर से पिछले दो लेक्चर से चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूं भाई एनायन की स्टेबिलिटी देख लो, एनायन की स्टेबिलिटी, पर तुम भी लोग फिट्टे हो रहे हो कि देखते ही नहीं हो एनायन की स्टेबिलिटी, ठीक है, तो एनायन की स्टेबिलिटी देखनी है, रिंग के साथ क्या हो रहा है ये नहीं देखना है, ठीक है, ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे भाई, बाय।